Hey guys, this is CSEM Ashutosh Latta from Jaipur, Rajasthan for you all. So let's start with the last lecture of life cycle costing. Life cycle costing का आज आखिरी lecture है और मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी chapter complete करूंगा, जब भी जिस lecture के अंदर मेरा chapter complete होगा, मैं उस chapter को वापस से re-revise कराऊंगा, so that हमारा, क्योंकि हमारे पास ना हमारे एक concept है HTML, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ये हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसा हमारे बच्चों को ना हो, तो उसके लिए हम हमारे हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद एक बार और रिवाइज करा देते हैं, ताकि आपको ये चीज़ दिक्कत ना आए कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या किया। तो वो पूरा रिकॉल मैं आपको इस लेक्चर के एंड में कराऊंगा, लेकिन बिफोर दैट हम लोग एक बार इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं जो कि हम लोगों ने कल छोड़ा था, क्योंकि लैक ऑफ टाइम के कारण से मैंने उसका आगे कंटिन्यू नहीं किया। मैंने आप लोगों को कल बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को, कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए, आपका रिप्लेसमेंट डिसीजन के लिए दो केस रहते हैं। पहला, जब हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग मशीन नहीं है और नई मशीन जो हम लोग ले रहे हैं उस नई मशीन का रिप्लेसमेंट का डिसीजन, पहला केस। दूसरा केस हमारा रहेगा जब हमारे पास एग्जिस्टिंग मशीन है, अब इस एग्जिस्टिंग मशीन को नई मशीन के साथ रिप्लेस कब करना है, ये केस। तो अब हम लोग फटाफट से एक बार इसके केस को देखते हैं, केस को समझते हैं, इसके नोट्स को लिखते हैं और फिर उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि भाई इसमें क्या करना है, और इसका क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें किस तरह से क्या सब कुछ चीज़ रहती है। तो सबसे पहला जो रहेगा वो सबसे पहला रहेगा मेरा केस नंबर वन। केस नंबर वन, और केस नंबर वन के नोट्स में हम लोग लिखेंगे, फटाफट से लिखना चालू करेंगे, साथ के साथ लिखते हुए चलना भैया, मैं बाद में टाइम नहीं दूंगा। व्हेन ए प्रॉब्लम, व्हेन ए प्रॉब्लम डिस्कस्ड, व्हेन ए प्रॉब्लम डिस्कस्ड इन ए क्वेश्चन, व्हेन ए प्रॉब्लम डिस्कस्ड इन ए क्वेश्चन रेफर्स टू ओनली वन फिक्स्ड असेट, रेफर्स टू ओनली वन फिक्स्ड असेट दैट इज इट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट दैट मीन्स इट डज नॉट दैट मीन्स दैट इज इट की जगह आप लोग यूज कर लेंगे फिक्स्ड असेट डज नॉट एग्जिस्ट, या तो फिक्स्ड असेट एग्जिस्ट ही नहीं करती, और या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जिस्टिंग फिक्स्ड असेट, या हमारे को उसके एग्जिस्टिंग फिक्स्ड असेट का डिटेल नहीं दे रखी। तो अब करना क्या है, इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स लिखें या इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस, इन दिस टाइप्स ऑफ सिचुएशंस वी हैव टू, वी हैव टू वी हैव टू फाइंड ऑब्लिक कैलकुलेट इक्वलेंट, इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट, इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ, इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ
ईच प्रपोजल रिप्लेसमेंट पीरियड, कि जितने भी आपको क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट पीरियड के जितने भी प्रपोजल हैं ना, उन सब प्रपोजल्स के लिए इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकाल देना है। एंड वी विल सजेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट एंड वी विल सजेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट इन ए ईयर वेयर EAC विल बी लोवेस्ट, जहां पर भी EAC लोवेस्ट होगा। EAC लोवेस्ट का मतलब क्या है कि भैया ये वो टाइम पीरियड है, अभी आपको बाद में समझाऊंगा, मैं एक एग्जाम्पल के साथ बाद में समझाऊंगा, अभी इसका एक थियोरेटिकल की केस क्या है जिसको समझ में नहीं आया उनके लिए एग्जाम्पल। सपोज एबीसी लिमिटेड परचेज्ड ए न्यू मशीन, एक न्यू मशीन परचेज कर ली भैया, एंड दे वॉन्ट्स टू डिसाइड दे वॉन्ट्स टू डिसाइड After how many years? कितने समय बाद कंपनी को, after how many years कंपनी should replace this machine? कि कंपनी को इस मशीन को कब रिप्लेस करना चाहिए भैया, सॉरी मशीन्स लिख दिया, मशीन कब रिप्लेस कर देना चाहिए। तो केस क्या है ध्यान से पढ़ेंगे एक बार वापस से क्या लिखा है। व्हेन ए प्रॉब्लम डिस्कस्ड इन क्वेश्चन रेफर्स टू ओनली वन असेट, अब देखिएगा ओनली वन असेट, ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिससे आपको पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाएगा। वन असेट दैट इज फिक्स्ड असेट डज नॉट एग्जिस्ट और वी हैव नो इन्फॉर्मेशन, या तो फिक्स्ड असेट एग्जिस्ट ही नहीं करती, या एग्जिस्ट करती भी होगी तो क्वेश्चन में उसकी डिटेल नहीं दी, तो हमारे लिए तो दिख जो नहीं दिख जो दिखता है वही है हमारे लिए, तो जो नहीं दिख रहा वो है ही नहीं। तो इन दिस सिचुएशन वी हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट किसके लिए ऑफ ईच प्रपोजल रिप्लेसमेंट पीरियड, जितना भी प्रपोजल है ना रिप्लेसमेंट पीरियड का उसके लिए ईएसी निकालेंगे, एंड वी विल सजेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट इन ए ईयर सजेस्ट वेयर ईएसी विल बी लोवेस्ट। अब देख लीजिए आप, अगर जो मैंने अंडरलाइन किया है अगर केवल उसको भी पढ़ेंगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है मैंने, जो अंडरलाइन किया है उसको केवल उस उसके अंदर पढ़ेंगे। वन फिक्स्ड असेट इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच प्रपोजल रिप्लेसमेंट वैल्यू की निकालेंगे और सजेस्ट करेंगे वेयर ईएसी विल बी लोवेस्ट, खत्म। ये इस क्वेश्चन का क्रक्स है, मतलब इस केस का क्रक्स है भैया, इस केस की समरी है। तो समरी अगर मैं लिखना चाहूं तो आपको क्या इस केस की समरी लिख दूं, तो समरी इसकी ये कहती है भैया, पहला ओनली वन असेट, सेकंड कैलकुलेट इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट फॉर ऑल रिप्लेसमेंट पीरियड ऑप्शन,
ऑल रिप्लेसमेंट पीरियड, ऑप्शंस, और थर्ड सेलेक्ट पीरियड हैविंग लोवेस्ट, सेलेक्ट पीरियड हैविंग लोवेस्ट ईएसी, खत्म, दैट्स ऑल। ये पूरा इसकी समरी है कि वन असेट वाला जब केस हो तो कैलकुलेट करनी है ईएसी आपको, सारे जितने भी आपके रिप्लेसमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन सब की, और फिर उसके बाद में आपको सेलेक्ट कर लेना जो भी पीरियड है, ठीक है। ये हमारा केस नंबर वन है। अब केस नंबर टू को डिस्कस करने से पहले मैं आपको केस नंबर वन का क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहूंगा। आपके लिए ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है जिसका नाम है आपका क्वेश्चन नंबर 7, दिसंबर 2018 का, मतलब या मैं यूं कहूं आज से 3 साढ़े 3 साल पहले क्वेश्चन आया था, 4 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स के लिए। मतलब इसी केस के अंदर 4 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों है। क्या है? फॉर ए मशीन द फाइनेंशियल डेटा आर गिवन बिलो। एक मशीन का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डेटा दे रखा है। क्या? आउटले, मतलब कि आउटफ्लो 0 ईयर पर, 0 ईयर पर आउटफ्लो है आपका 5000। अगर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो फर्स्ट ईयर का 1400, सेकंड ईयर में बढ़ेगा 1500, थर्ड ईयर में 1600, फोर्थ ईयर में 1700। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी 1400, 1500, 1600, 1700, हर साल 100 100 रुपये का इंक्रीमेंट। मेंटेनेंस कॉस्ट पहले साल जरूरत नहीं थी लेकिन दूसरे साल 300 की, तीसरे साल 400 की, चौथे साल 500 रुपए की, मतलब यहां पर भी 100 100 रुपए बढ़ रहे हैं। वैल्यू इफ स्क्रैप, अगर स्क्रैप कर देते हो, स्क्रैप कर देते हो मतलब इसको सेल कर देते हो, तो आप अगर पहले साल के एंड में कर दोगे तो 3400, दूसरे साल के एंड में करोगे तो कम हो जाएंगे, 2000 रह जाएंगे, तीसरे साल में 800 रह जाएंगे और कम हो जाएंगे, चौथे साल में 600 रह जाएंगे और कम हो जाएंगे। आपको कह रखा है अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम है और डिस्काउंटिंग फैक्टर क्वेश्चन ने खुद ने दे दिया, वाह। अब आप ध्यान रखिएगा, जब डिस्काउंटिंग फैक्टर क्वेश्चन खुद से दे देगा ना तो आपको वही फिगर उठाने हैं, उतने ही डेसिमल में उठाने हैं। अब आप कल को ये कारस्ता नहीं मत लगाने बैठ जाना, सर मैं कौन इतना। अब अगर आपको क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने की जरूरत पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा। ये आपको क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते समय ये सारी चीजें आपको लेनी पड़ेगी। तो आपके लिए आपको लगेगा, अरे यार ये सारी चीजें मैं क्यों लूँ। तो ये कुछ कुल मिलाकर के ये सारी कैलकुलेशन आपके साथ है। अब आपको इसका इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको निकालना है और इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ आपको ये सारी कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट हम लोग निकाल देंगे और आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अब आपके साथ इसमें मैं आपके लिए, देखिएगा क्या करते हैं, हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पर। 1400 1500 1600 1700, 0 300 400 500, ओके साहब। एक बार के लिए ना मैं इस क्वेश्चन का गिवन डेटा मैं यहीं पे उतार लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा आपके नोट्स वाला। इस केस नंबर 1 के नोट्स हमारे कंप्लीट हो गए, केस नंबर 2 में डिटेल्ड में नोट्स हैं, उसको हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका क्वेश्चन करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वो देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो दे रखी थी वो है आपका आउटफ्लो, इनिशियल आउटफ्लो जिसे हम बोल सकते हैं, मतलब या मैं यूं कहूं कि इसकी परचेजिंग कॉस्ट, इनिशियल आउटफ्लो ₹5000, ठीक है। इसके अलावा आपको ना यहां पर इन्होंने ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट है ईयर वाइज। मैं यहां पे ईयर्स के कॉलम बना देता हूं, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4। क्या सर एग्जाम में भी उतारने की जरूरत है? मैंने कहा नहीं, एग्जाम में आपको उतारने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए उतार रहा हूं क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन अभी हाथ में नहीं है, और ना ही आप लोगों के हाथ में अभी, अगर क्या पता आप लोगों के हाथ में भी नहीं होगा तो भी। तो ये 1 2 3 4, ये मेरे 4 साल है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरी कहाँ से स्टार्ट हुई है? ऑपरेटिंग कॉस्ट 1400 1500 1600 1700, और ये 300 400 500।
1400 से और ये 300 से, तो 1400 और ये 300 से, लेकिन सेकंड ईयर से हुआ है मेंटेनेंस कॉस्ट। तीन सौ, 400, 500, 1400, 1500, 1600 और 1700। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपकी कॉस्ट। अब इसके साथ आपको स्क्रैप भी दिया है, और स्क्रैप में आपको दिया है कि पहले साल अगर आप कर देते हो तो 3400 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल अगर आप करते हो स्क्रैप मतलब दूसरे साल अगर आप रिप्लेस करोगे, अगर आप दूसरे साल रिप्लेस करते हो तो आपको मिलेंगे 2800 और 600। तो यहाँ मिलेंगे 2000, यहाँ 800 और यहाँ मिलेंगे 600। अब देखो, अब मेरा पॉइंट आप लोगों से क्या क्या है वो चीज देखिएगा आप लोग। सबसे पहला केस ले रहा हूं मैं, इसके अंदर रिप्लेस आफ्टर 1 ईयर, अगर एक साल बाद ही मैं रिप्लेस कर दूं, तो अगर मैं एक साल बाद रिप्लेस कर देता हूं, तो आफ्टर 1 ईयर रिप्लेस करता हूं, तो इसके अंदर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कॉस्ट, इसकी तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, इनिशियल कॉस्ट हमेशा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1, तो 5000 का 5000 ही कॉस्ट आएगा, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट पहले साल में नहीं लगी, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी 1400, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अब क्वेश्चन वाले उठा के लेके आना है, तो 0.893, मैं एक बार कैलकुलेटर पे भी चेक कर लेता हूँ भैया इन्होंने सही तो किया है ना, 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने जो लिया है वो मैं लिख लेता हूँ एक बार यहाँ पर ही, इसी जगह पर मैं लिख रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम के अंदर अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्वेश्चन बार बार उधर देख के देखना ना पड़े। तो ये आपके लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो पहले साल का आ जाएगा 0.893, 0.797, मैं चिंता मत करो मैंने पूरा वेरीफाई करके ही मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, 712, इन्होंने 3 डेसिमल तक लिया है और प्रॉपरली राउंड ऑफ भी किया है, अगर कोई 5 आ रहा है जैसे यहाँ पे 6355 आ रहा है, तो इन्होंने 636 ले लिया है एग्जाम के अंदर, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट किससे जाएगी, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.893, तो 0.893 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1400 मल्टीप्लाई 0.893, तो आ जाएगा आपका 1250 रुपये और 20 पैसे। अब इसमें से मैं लेस कर दूंगा, ये तो मेरे सारी हो गई। अब मैं अगर पहले साल, अगर मैं पहले साल बेच रहा हूँ, पहले साल बेच रहा हूँ, रिप्लेसमेंट के बाद मुझे ये नहीं बताया कि नई मशीन कौन सी ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा, तो यहां पर मैंने केवल बेचा बेचा, तो भैया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप भी तो आएगी, और अब की बार वो क्यों, वो तो लेस होगी, क्यों, क्योंकि स्क्रैप हमारे लिए इनकम है, और इनकम कितनी है 3400 मल्टीप्लाई बाय 0.893,
ये हो जाएगा 3400 मल्टीप्लाई बाय 0.893, तो ये आ जाएगा आपका 3036 रुपये और 20 पैसे नेगेटिव में। तो इन शॉर्ट आपके लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो तो हो जाएगा आपका 3214, लेकिन अगर मैं इसके अंदर डिवाइड कर दूंगा क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अब पहले साल का क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो क्या होगा, वही 0.893 को ले लूंगा, तो यहां पर आ जाएगी मेरे लिए ई ए सी, और वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगा भैया 3599। तो 3599 बाल लो या 3600 रुपये लिख दूं, एक ही बात है क्या, 1 रुपये का तो चला लोगे, तो ई ए सी आ जाएगी 3600 अगर पहले साल रिप्लेस कर रहे हो तो। अब ये मैंने आपको डिटेल्ड में समझा दिया कि भैया डिटेल्ड में कैलकुलेशन ये कहती है भैया, ठीक है। अब आइएगा, अब मैं यहां पर जो आपकी कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, अब वो मैं आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन में जो करनी है उस तरह से मैं आपको करने जा रहा हूं। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों के लिए एक स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं, उस स्टेटमेंट के अंदर हम उस साल की पूरी नेट इनकम और पूरा वो सब कुछ चीज ले लेंगे। तो कैसे लूंगा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं रिप्लेस करता हूं पहले साल तो, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल, तो 4 साल के खर्चे हैं और कुछ खर्चा मेरा 0 साल में भी तो लगा होगा। सर कौन सा, मैंने कहा 5000 वाला, अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला खर्चा कौन सा है, इनिशियल आउटफ्लो वाले का, तो इनिशियल आउटफ्लो जो है उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, 5000। अब इसके बाद में क्या कुछ इनिशियल आउटफ्लो है, नहीं है, या मैं यूं कहूं कि आपका पहले इसको हम लोग रेक्टेंगल कर ले, मतलब सॉरी रेक्टेंगल क्या, रेक्टेंगल वर्ड से निकाल दिया, यहां से आप पहले साल रिप्लेस करेंगे तो भी आपके लिए इनिशियल आउटफ्लो वही होगा, अगर आप लोग दूसरे साल करेंगे तब भी इनिशियल आउटफ्लो का खर्चा यही होगा, तीसरे साल करेंगे तो भी इनिशियल आउटफ्लो तो यही रहेगा क्योंकि एक बार तो खरीदा ही होगा ना सबके लिए, और चौथे साल करेंगे तो ये होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो हो गया इनिशियल आउटफ्लो का खर्चा, अब आते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट पर। या मैं यूं कहूं ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट, मैं दोनों का टोटल एक साथ ले लेता हूं, ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस दोनों का एक साथ ले लेता हूं। तो पहले साल ऑपरेटिंग कितना, सर 1400 रुपये, मेंटेनेंस सर नील। तो पहले साल अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो क्या मेरा यहां पर 1400 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.893 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो पहले साल अगर मैं रिप्लेस करता हूं, पहले साल रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास 1400 रुपये का खर्चा आएगा जो कि आएगा 1250 रुपये 20 पैसे। मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैंने पहले साल के एंड में रिप्लेस किया, ध्यान से सुनिएगा, पहले साल के एंड में अगर मैंने रिप्लेस किया है तो क्या मेरे 1250 रुपये 20 पैसे आएगा, क्या अगर मैं 2 साल के एंड में रिप्लेस करता हूं तो क्या ये 1400 रुपये मेरे पहले साल में लगे होंगे, मतलब
अगर मैं कोई मशीन 2020 में परचेज करता हूँ और अगर वो मैंने 2022 में रिप्लेस करी है तो 2021 बीच में आता है। अब मैं अगर 2021 में स्क्रैप करूंगा तो भी ये 2020-21 वाला खर्चा लगेगा, 2022 में रिप्लेस करूंगा तो भी 2021 का खर्चा लगेगा, 23 में रिप्लेस करूंगा तो भी 2021 वाला खर्चा लगेगा, 24 में करूंगा तो भी 2021 वाला खर्चा लगेगा। तो इसका मतलब जो पहले साल का खर्चा है वो तो हर साल लगेगा ही लगेगा, दूसरे साल का जो खर्चा है वो आपके दूसरे साल से लगेगा ही लगेगा, पहले वाले केस में नहीं लगेगा। मतलब अब मुझे एक चीज बताइए, क्या ये 1250 रुपये 20 पैसे पहले साल के ऑपरेशन में यहाँ पे भी लगेंगे नहीं लगेंगे? जब 3 साल काम करोगे तो यहाँ पे भी लगेगा कि नहीं लगेगा, और यहाँ पे भी 1250 रुपये 20 पैसे लगेगा कि नहीं लगेगा? आंसर इज यस, लगेगा 1250 रुपये 20 पैसे। ये तो हो गया कौन सा वाला खर्चा, पहले साल के ऑपरेटिंग कॉस्ट, पहले साल की ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये तो आप चाहें तो इसको आप लोग ना यहां पर ईयर वन भी लिख सकते हैं, ये ईयर वन की कॉस्ट है भैया यहां पे। ऑल्दो मेरे को ये 0 वाले साल की बनाने का फॉर्मूला जरूरत नहीं थी, तो यहां पर मैं चलिए ये डिटेल लिखने के लिए रख लेता हूं इसको। तो ये तो मेरा इनिशियल कॉस्ट का खर्चा हो गया भैया, ईयर वन हो गया। अब इसी तरह से मैं ईयर टू का खर्चा, अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं रिप्लेस, ये मेरे रिप्लेसमेंट ईयर है, ये मेरे रिप्लेसमेंट ईयर है, मैं कब कब रिप्लेस कर रहा हूं। यहां पे आप चाहें तो इसकी हेडिंग डाल दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, ये आपकी हेडिंग हो गई। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या ईयर वन में अब मैं कोई रिप्लेस कर रहा हूं तो क्या मेरा कोई खर्चा लगेगा क्या? ये सारी चीज एक बार मैं मिटा देता हूं, यहां से रब कर देता हूं। चलिए अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं पहले साल ही रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे को दूसरे साल का कोर्स लेने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो, कोई जरूरत नहीं है, क्यों, पहले साल रिप्लेस हो गया। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो दूसरे साल का खर्चा कितना है सर? ऑपरेटिंग कॉस्ट का 1500 रुपये और 300 रुपये मेंटेनेंस कॉस्ट, टोटल हो गए सर 1800 रुपये। तो 1800 रुपये का खर्चा है और दूसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है सर? 0.797। तो 0.797 ये इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, तो 1800 मल्टीप्लाई 0.797, तो ये आ गया आपके लिए 1434.60। अब मुझे एक चीज बताओ, सेकंड साल का खर्चा, सेकंड साल के बाद में रिप्लेस करूंगा तो उसमें तो लगेगा ही लगेगा, सेकंड साल के बाद में जब करूंगा तो उसमें तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन आप मुझे एक चीज और बताइए कि क्या ये थर्ड ईयर में रिप्लेस करूंगा तो भी सेकंड ईयर में खर्चा लगा के आऊंगा क्या? आंसर इज यस, तब भी लगा करके आओगे। तो ये 1434.60, 1434.60 यहां पे भी लग गया, ये ईयर टू के लग गए। अब ईयर थ्री पर आते हैं, अब मुझे एक चीज बताओ, ईयर थ्री पर की कॉस्ट अगर कब जरूरत पड़ेगी ईयर थ्री की? जब मैं रिप्लेसमेंट पहले साल भी नहीं करूं दूसरे साल भी नहीं करूं, तब मेरे को ईयर थ्री पर ये खर्चा करने की जरूरत है। तो क्या मेरा ये यहां पे आएगा? आंसर इज नो, यहां नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं सेकंड ईयर में रिप्लेस कर चुका, तो थर्ड ईयर का खर्चा क्यों लगेगा? थर्ड ईयर का खर्चा कब लगेगा? जब मैं थर्ड ईयर के बाद रिप्लेस करूंगा। तो थर्ड ईयर का खर्चा कितना? 1600, तो ये 400 रुपये, तो 1600 400, 2000, तो 2000 रुपये का खर्चा, और इसकी वैल्यू फैक्टर 0.712, तो 0.712, तो ये 1424 आना चाहिए आई थिंक, 0.712 मल्टीप्लाई बाय 2000, चाहे कितना ही सही आ रहा हो, आपको लगेगा ना सही आ रहा है, तो भी आपको सॉल्यूशन में कैलकुलेटर यूज करना ही करना है।
ज्यादा अपने आप को, क्योंकि वहां पे शेकी झाड़ने की जरूरत नहीं है, तो ये 1424 यहां पे भी लगेगा और यही 1424 यहां पर भी लगेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ईयर फोर का खर्चा, अब ध्यान से सुनना, ईयर फोर का खर्चा 1700 रुपये और 500 रुपये 2200 रुपये का खर्चा है। अगर मैं पहले साल रिप्लेस कर चुका तो क्या चौथे साल का खर्चा लगेगा? आंसर इज नो। अगर मैं दूसरे साल कर चुका तो क्या चौथे साल का खर्चा लगेगा? आंसर इज नो। अगर मैं चौथे साल रिप्लेस कर चुका तो तीसरे साल खर्चा लगेगा? आंसर इज अगेन नो। तो ये चौथे साल का जो खर्चा है वो कहाँ लगेगा? केवल चौथे साल में लगेगा साहब। तो 2200 का खर्चा है 0.636 के साथ, तो 2200 का खर्चा 0.636 के फैक्टर के साथ, तो 2200 मल्टीप्लाई 0.636, तो ये आ जाएगा आपके लिए 1399.20। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, आपने हर एक केस के अंदर ऊपर का इनिशियल कॉस्ट ले लिया, आपने हर एक केस का ऑपरेटिंग कॉस्ट ले लिया, अब क्या बच गया? सर अब बच गया ना, अभी भी कुछ बच गया। यस सर बच गया। क्या? माइनस करूंगा स्क्रैप की प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप कैसे? अगर मैं पहले साल रिप्लेस कर दूंगा तो मुझे कमाने को मिलेगा 3400 रुपये, तो 3400 का 0.893, तो ये मिलेगा मेरे को यहां पर 3400 का 0.893। तो 3400 मल्टीप्लाई 0.893, तो ये आ जाएगा 3036.20। अब मुझे बताओ कि क्या ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? सर कैसी बातें कर रहे हो सर, ये नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव तो आपने कॉस्ट कॉस्ट को ऊपर नेगेटिव कर दिया ना ऑलरेडी, तो पॉइंट पॉइंट में मैंने आपको कॉस्ट कॉस्ट को नेगेटिव कर दिया है, यहां पर आपके लिए पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्रैप इज रियलाइजेबल वैल्यू विच विल बी इनकम फॉर अस, वो हमारे लिए इनकम का पार्ट माना जाएगा। लेकिन अगर सेकेंड ईयर के बाद, सेकेंड ईयर में रिप्लेस करूंगा तो कितना मिलेगा? 2000 मिलेगा। तो 2000 मिलेगा सेकेंड ईयर में रिप्लेस करूंगा तो, और फैक्टर क्या है? 0.797 का, तो 2000 मल्टीप्लाई 0.797, तो ये आ जाएगा 1594 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं तीसरे साल रिप्लेस करूंगा तो कितना मिलेगा? 800 का और 0.712, तो 800 की स्क्रैप है, 0.712 का आप लोगों के लिए फैक्टर है, तो 800 मल्टीप्लाई 0.712, तो ये आपके लिए बच गया 569.60। तो 569.60 आपके लिए बच गया है। और अगर मैं चौथे साल रिप्लेस करता हूं तो मेरे लिए 600 रुपये बचेंगे, केवल ओनली 600। तो यहां पर 600 मल्टीप्लाई बाय 0.636, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 0.636 अगर है तो यहाँ पे बच गया मेरा 381 रुपये 60 पैसा। तो क्या मेरे से यहाँ पर, क्या मेरे पास यहाँ पर टोटल मेरी कॉस्ट आ जाएगी क्या? और टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और टोटल कॉस्ट कैसे आएगी सर, कैलकुलेट कर लो। देखो 5000 का तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इनिशियल का, 1250.20 अपना ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट का, और इसमें से रिकवर हो गए हमारे को 3036.20 रुपये, तो ये 3214 रुपये। अगर पहले साल आप रिप्लेस करते हो तो 3214 रुपये का टोटल कॉस्ट आएगी। दूसरे केस में 5000 तो इनिशियल प्लस दूसरे साल अगर आप रिप्लेस करोगे तो इसमें 2 सालों की कॉस्ट आएगी, 1250.20 पहले साल का, 1434 रुपये 60 पैसे दूसरे साल का, लेकिन इसमें से आपको 1594 रिकवर हो जाएंगे, तो आपके लिए कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी? 6090.80। फिर बात करते हैं तीसरे साल, तीसरे साल 5000 तो इनिशियल का, 3 साल बाद अगर मैं रिप्लेस कर रहा हूं तो 3 साल तक की कॉस्ट लगेगी, तो 1250.20 प्लस 1434.60 प्लस 1424 माइनस, इसमें से रिकवर हो गया 569.60 का, तो ये आपके लिए हो गया है 8539।
20, ये पॉइंट है। फिर चौथे साल करूंगा तो चौथे साल का 5,000 तो इनिशियल प्लस 1250.20 पहले साल का भी खर्चा लगेगा, 1434.60 दूसरे साल का भी लगेगा, 1424 तीसरे साल का भी लगेगा और 1399.20 चौथे साल का भी खर्चा लगेगा, क्योंकि आपने चारों साल मशीन को यूज किया है। लेकिन उसमें से आपका 381.60 रुपये आपको रिकवर हो गए, तो आपके लिए 10,126.40 रुपये टोटल कॉस्ट आ गई। अब है ना, आप एक चीज देखो, अगर हम इसको देख के डिसीजन लेना है, केवल अगर हमको कोई कह दे कि टोटल कॉस्ट को देख करके डिसीजन लो, तो हम ले देंगे क्या? आंसर इज यस, ले देंगे। अगर हम लोग भी लेबरर होंगे तो दे लेंगे, लेकिन हम लोग तो लेबरर है नहीं ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का डिवाइड लगाएंगे। सो दैट क्या होगा उससे, उससे ये होगा कि हम उससे ईएसी निकाल देंगे। तो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अब मुझे एक चीज बताओ, पहले साल का रिप्लेस कर रहे हो तो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किसका होगा? ओनली पहले साल का, और ओनली पहले साल का कितना है? 0.893। अगर दूसरे साल कर रहा हूं तो दूसरे साल करूंगा तो पहले साल का और दूसरे साल का दोनों का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्योंकि हम कैसे करते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.1, 1, 2, फिर जीटी करते हैं ना क्यूमुलेटिव फैक्टर निकालने के लिए। अब की बार यहां पे क्यूमुलेटिव फैक्टर दिया हुआ ही है, तो दिया हुआ है तो टोटल कर लो, किस किस का, पहले साल का और दूसरे साल का टोटल करो। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो 0.893 प्लस 0.797 तो आ जाएगा 1.69, तो आ जाएगा 1.69। और अगर तीसरे साल पे जाऊंगा तो क्या होगा, पहले का भी, दूसरे का भी और तीसरे का भी, तो 1.69 में अगर 0.712 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 2.402, ये तीनों साल का आ जाएगा 2.402। और अगर चौथे साल पर जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे पहला साल भी जोड़ना है, दूसरा भी जोड़ना है, तीसरा भी जोड़ना है और चौथा भी जोड़ना है, तो चौथा भी जोड़ दूंगा इसमें 0.636 को, तो यह आ जाएगा 3.038, इसका डिवाइड लगेगा 3.038। और अगर मैं इसमें इसका डिवाइड लगा दूंगा दोस्तों, तो मेरे पास एक फिगर आएगा निकल के, उस फिगर को मैं बोलता हूँ ईएसी, और वो कितना आएगा, 3214 डिवाइडेड बाय 0.893, तो यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 3599। मैं आपकी बार केवल राउंड ऑफ करके लूँगा, 6090.8 डिवाइडेड बाय 1.69, यहाँ पे आएगा 3604, यहाँ 8539.2 डिवाइड बाय 2.402, तो यह आ जाएगा 3555, यहाँ पे 10126.40 डिवाइडेड बाय 3.038, तो यहाँ आ जाएगा 3333। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका फिगर, मतलब इन शॉर्ट 3600 3604। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो क्या 3600 3604 यहाँ बढ़ गए, 3555 यहाँ कम हो गए, और 3333 सबसे कम कहाँ है, यहाँ पर। तो रिप्लेसमेंट डिसीजन क्या जाएगा कि भैया रिप्लेसमेंट करो आपका सबसे एंड वाले साल में जा करके, सबसे एंड वाले साल में जा करके आप रिप्लेस करो। एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, सॉल्यूशन भी क्या यहीं आ रहा है क्या, तो देखिएगा 3599, 3604, 3555 और 3333, तो डिसीजन क्या होगा, बेटर टू रिप्लेस एट द एंड ऑफ ईयर 4 एज द एवरेज प्रेजेंट वैल्यू इज लोवेस्ट। तो यही हम लोग हमारे सॉल्यूशन में भी लिख देंगे, कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम लोग भी, लो भैया कर दो। सिंस ईएसी इज लोवेस्ट इन, सिंस ईएसी इज लोवेस्ट इफ रिप्लेसमेंट डन इन, इफ रिप्लेसमेंट डन इन या रिप्लेसमेंट डन आफ्टर 4 ईयर, खत्म। ये लो जी, ये क्वेश्चन खत्म। कुल मिलाकर के हम लोगों ने क्या किया, एक बार रिकैप करा देता हूं आपको इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में ना हमको चार चीजें दी हुई थी, मतलब चार ऑप्शंस थे
कि आप आज खरीदी, आज सपोज से 1 अप्रैल 2021 मान लेते हैं, आज अपन 1 अप्रैल 2021 को हमने कोई चीज खरीदी, तो या तो इसको 1 अप्रैल 2022 को रिप्लेस करेंगे या 1 अप्रैल 2023 को रिप्लेस करेंगे। देखिए मैं आपको एक बार इसका चार्ट बना देता हूं। देखिए सपोज मैंने परचेज किया 1 अप्रैल 2021 को, एक ऑप्शन तो था मेरे पास 1 अप्रैल 2022 को रिप्लेस करने का, एक ऑप्शन था 1 अप्रैल 2023 को रिप्लेस करने का, एक ऑप्शन था 1 अप्रैल 2024 को रिप्लेस करने का, और एक ऑप्शन था मेरे पास 1 अप्रैल 2025 को रिप्लेस करने का। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पे रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास 1 साल का ही तो खर्चा लगेगा, लेकिन अगर मैं यहां पे रिप्लेस करूंगा तो मेरा ये भी खर्चा लगेगा, ये भी खर्चा लगेगा, लेकिन अगर मैं यहां पे खर्चा रिप्लेस करूंगा तो मेरा ये भी खर्चा लगेगा, ये भी लगेगा और ये भी लगेगा, और अगर मैं रिप्लेस यहां पर जाकर के करूंगा तो मेरा ये भी खर्चा लगेगा, ये भी खर्चा लगेगा, ये भी लगेगा और ये भी लगेगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली जब मेरा पहले साल का है तो मेरा केवल इस साल को कंसिडर कर लिया, जब दो साल बाद करना है तो दोनों साल को कंसिडर कर लिया, जब 3 साल करना था तो तीनों साल की कॉस्ट को कंसिडर कर लिया, और जब 4 साल बाद करना था तो चारों साल की कॉस्ट को मैंने कंसिडर कर लिया, और जब भी रिप्लेस कर रहा हूं मैं उस साल की स्क्रैप वैल्यू ले लूंगा। तो मैंने आपको रिप्लेस अगर पहले साल करा तो मैंने पहले साल के 3400 ले लिए, दूसरे साल किया तो दूसरे साल का 2000 ले लिया, तीसरे साल किया तो तीसरे साल के 800 ले लिए, चौथे साल किया तो चौथे साल के 600 ले लिए। इस तरह से मैंने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, उससे मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट में जब मैं क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का डिवाइड लगाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगी ईएसी, और इस ईएसी के आधार पर मैं यहाँ पर डिसीजन दे दूंगा। अगर किसी को जरूरत पड़े तो यहाँ पर ये लाइन जो है आपका चार्ट उतार लीजिएगा, नहीं है जरूरत तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से वैसे भी रब कर रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता कि ये जरूरत है, चलेगा। अब आते हैं हम लोग नए केस के ऊपर, केस नंबर 2। और केस नंबर 2 को डिस्कस करने से पहले मैं जस्ट ए मिनट, एक सेकंड के लिए आया, जस्ट ए सेकंड। चलिए अब क्या है ना, अब देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या बोलेगा आपका कि भैया अभी तक तो आपके पास एक ही मशीन थी, अब हमारे पास मशीन एग्जिस्टिंग भी होगी, न्यू मशीन का भी ऑप्शन हमारे पास रहेगा, तो न्यू मशीन और एग्जिस्टिंग मशीन दोनों का ऑप्शन रहेगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को, वैसे मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं, एक्चुअल में कुछ नहीं है, एक्चुअल के अंदर सिनेरियो यही है कि आपका न्यू मशीन का हम लोग इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालेंगे, ओल्ड मशीन का इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स पर, क्योंकि ऑप्शन क्या रहेगा ना कि जो अभी एग्जिस्टिंग मशीन है या ओल्ड मशीन है उसको आज रिप्लेस कर दो, 1 साल बाद रिप्लेस कर दो, 2 साल बाद रिप्लेस कर दो, 3 साल बाद रिप्लेस कर दो, 4 साल बाद रिप्लेस कर दो, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। तो आप क्या करोगे ना, ओल्ड मशीन का पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, ये सारे साल आपको लेना है, ये आपकी टोटल उसकी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकाल देंगे, न्यू मशीन की इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकाल लेंगे। दोनों में जिस साल के अंदर आपको लगे कि न्यू कॉस्ट, न्यूली जो न्यू मशीन है उस न्यू कॉस्ट, न्यू मशीन की इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट अब इस साल से कम आने लग गई या इस साल आपकी कम है, तो भैया उसी साल फट से रिप्लेस कर दो, जिस भी साल आपका सबसे लोवेस्ट पड़े ये, ठीक है। तो ये सारी चीज है, अब इसके ऊपर लिखते हैं फटाफट से ताकि हमारा चैप्टर फिनिश हो जाए फटाफट से, ध्यान से रखेंगे। When a problem discussed, when a problem discussed in a question is having one existing machine, it is being used
फॉर क्वाइट सम टाइम, कि भैया कुछ समय के लिए ये ऑलरेडी यूज की जा चुकी है, एग्जिस्टिंग मशीन जो है। एंड नाउ वी वांट टू रिप्लेस, एंड नाउ वी वॉन्ट टू रिप्लेस इट विद सम, नाउ वी वॉन्ट टू रिप्लेस इट विद सम अदर मशीन। अब हम इसको किसी नई मशीन के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। सो नाउ वी नीड टू डिसाइड, सो नाउ वी नीड टू डिसाइड वैन टू रिप्लेस इट। भैया कब रिप्लेस करना है ये तो बताएं, तो ये हमको डिसाइड करना है। अब इसके अंदर मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। इन दिस केस ऑल्दो आपका इंस्टीट्यूट ना इसके क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करता है वो गलत है। आपका इंस्टीट्यूट जो इसका एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है जो अब हम लोग करेंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन गलत है, मैं आपको इतना सा बता सकता हूं। और क्यों गलत है उसका लॉजिक भी मैं आपको दूंगा, डोंट वरी। इन दिस केस वी विल डिवाइड, इन दिस केस वी विल डिवाइड ऑल द कैश फ्लोज इन टू पार्ट्स, इन टू पार्ट्स। पहला रिपीटेटिव कैश फ्लो, दूसरा नॉन रिपीटेटिव कैश फ्लो। ठीक है, ये सारी चीज है। आप एक बार, मैंने थोड़ा फास्ट फास्ट ले लिया, मैं आप लोगों के लिए डिस्प्ले कर देता हूं, देख लीजिए। केस नंबर टू है, इसमें हम लोगों ने लिखा है व्हेन ए प्रॉब्लम डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन इज हैविंग वन एग्जिस्टिंग मशीन, कि आपका एक ही एग्जिस्टिंग मशीन है और जो कि इट इज बीइंग यूज्ड फॉर क्वाइट सम टाइम, कि कुछ समय लेकिन वो यूज भी हो चुकी है, तो आपके लिए नाउ वी वॉन्ट टू रिप्लेस इट विद सम अदर मशीन, अब हम इसको अलग अदर मशीन के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। सो नाउ वी नीड टू डिसाइड कि कब रिप्लेस करें। तो इस केस को हम लोगों ने ना इसको दो अलग, इसके अंदर जो हमारे वो हैं कैश फ्लो, उनको कैश फ्लो को हमने दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। अब दो अलग अलग हिस्से जो है उनके अंदर क्या है भैया, रिपीटेटिव जॉब और नॉन रिपीट, सॉरी रिपीटेटिव आपका रिपीटेटिव कैश फ्लो और नॉन रिपीटेटिव। अब बच्चा पूछता है सर ये रिपीटेटिव कैश फ्लो क्या होता है, सर ये नॉन रिपीटेटिव कैश फ्लो क्या होता है सर। अब मैंने कहा अब ध्यान से सुनो, नई मशीन ले रहे हैं तो हम ये सोच के ले रहे हैं कि नई मशीन जो है, एक अजम्पशन है छोटी सी कि नई मशीन हम लोगों के काफी आगे तक चलती रहेगी, तो नई मशीन के कारण से जो भी खर्चा होगा, नई मशीन के कारण से अब जो भी खर्चा होगा क्या वो रिपीटेटिव जॉब तरह का होगा, कि आज इस साल भी लगेगा, अगले साल भी लगेगा, उसके अगले साल भी लगेगा और जब तक चलता ही जाएगा। लेकिन ओल्ड मशीन के बारे में बात करें तो हमारे को ओल्ड मशीन के लिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा होगा, आज रिप्लेस कर दो, कल रिप्लेस कर दो, दो साल बाद रिप्लेस कर दो, तीन साल बाद रिप्लेस कर दो और मैक्सिमम चार साल बाद रिप्लेस कर दो, ऐसा करके क्वेश्चन में आपको देगा। तो इसका मतलब इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जाकर के उसका अंत निश्चित है ओल्ड मशीन का, चाहे वो चार साल में तक ले जाए चाहे अभी कर दे। तो इसका मतलब जो इसके ऊपर जो कैश फ्लो होने वाला है वो रिपीटेटिव, वापस बार बार रिपीट नहीं होने वाला है। तो हम लोग ईएसी ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन और ईएसी ऑफ न्यू मशीन की जगह दो अलग अलग नाम यूज कर रहे हैं,
क्या नाम यूज कर रहे हैं? रिपीटेटिव तो यूज कर रहे हैं हम लोग न्यू मशीन्स के लिए, और नॉन रिपीटेटिव यूज कर रहे हैं हम लोग हमारी एग्जिस्टिंग मशीनरी के लिए। अब लेकिन ध्यान से सुनना एक पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा एक पॉइंट, क्या अभी हम लोग क्या कर रहे थे? अब हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? आइदर हम न्यू मशीन को आज ही रिप्लेस कर दें, मतलब आज, आज भी तो रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यूज तो जो करना था वो तो हम पहले ही कर चुके ना, यूज हमको जो करना था वो तो हम पहले भी कर चुके, तो आज भी कर सकते हैं। मैंने ये नहीं बोल रहा हूं आज ही करना है, आज भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, आज अगर रिप्लेस कर सकते हैं, सपोज से 50,000 रुपए आज मिल जाए, हमने कहा आज नहीं नेक्स्ट ईयर करेंगे, कोई बात नहीं नेक्स्ट ईयर आपकी तो होशियारी हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर में जाकर के 30,000 रुपये मिलेंगे, नेक्स्ट ईयर में जाके ये 30,000 ही मिलेंगे, फिर कोई बात नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, 30,000 मिलेंगे तो 30,000 ले लेंगे। तो इन शॉर्ट ये जो 50,000 रुपये होगा ना, क्या ये 50,000 रुपये हमारे लिए एक प्रकार से प्रॉफिट फॉरगोन हो गया क्या? कि अगर मैं आज डिसाइड करता हूं कि नहीं भैया मैं आज नहीं करूंगा, एक साल बाद करूंगा, मैं एक साल बाद रिप्लेस करूंगा, तो क्या मेरे को ये 50,000 की जो इनकम आज हो सकती थी, या ये मेरे को रिसेल वैल्यू आज मिल सकती थी, क्या ये मेरे को इग्नोर हो गई? क्या ये मेरे को इग्नोर हो गई? तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो कि हमेशा मेरे लिए 50,000 की 50,000 ही रहेगी, तो मुझे लॉस कितने का हुआ? 50,000 का। क्यों? आज बेच सकता था 50,000 में, माना उसमें से कुछ हिस्सा आपका 30,000 रुपये रिकवर हो गया, लेकिन फिर भी मेरा यहां पर 30,000 की प्रेजेंट वैल्यू, सपोज से 30,000 की प्रेजेंट वैल्यू 27,000 रुपये हो गई। अब मुझे एक चीज बताओ, माना 27,000 रुपये मेरे को मिल गए एक साल बाद, लेकिन मैं तो 50 कमा सकता था, तो मेरे को एक साल एक्स्ट्रा यूज करने के कारण से क्या मैं ऐसा कह सकता हूं मेरे को 23,000 रुपये का लॉस हुआ है, या मैं ये कह सकता हूं 23,000 रुपये की मेरे लिए कॉस्ट आई है भैया एक साल एक्स्ट्रा यूज करने की, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? यस और नो? अब अगर मैं ये कहता हूं कि नेक्स्ट ईयर नहीं, मैं इससे भी नेक्स्ट ईयर में करूंगा, तो मेरे को 20,000 ही मिलेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये 20,000 मेरे को मिलेगा, 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, सपोज से इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ रही है सिर्फ 16,000, तो 50,000 का तो लॉस हो गया ना, 50,000 कमा सकता था, लेकिन 16 तो फिर मैंने फिर भी आज भी कमा लिया, तो मेरे को 34,000 का नेट लॉस हो गया ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जब हम लोग एग्जिस्टिंग मशीन की जब हम लोग वैल्यू करेंगे, एग्जिस्टिंग मशीन की जब हम लोग ईएसी निकाल रहे होंगे, तो हम लोग ये जो 50,000 का लॉस है, इस 50,000 के लॉस को भी कंसीडर करेंगे, इस 50,000 के लॉस को भी कंसीडर करेंगे। ये मैंने पूरी भूमिका आप लोगों के लिए बताई, एक बार फिर से सुन लीजिए। मेरे पास ऑप्शन था आज, सपोज से एक चीज सुनो, मेरे पास आज सपोज मेरे पास एक कार है होंडा सिटी, मेरे पास एक कार है होंडा सिटी, कौन सी कार है बच्चों? होंडा सिटी। अब ना मैं ये सोच रहा हूं यार, 10 साल 5 साल हो गए मेरे को यूज करते हुए, इसको अगर मैं आज बेचूंगा ना, तो मेरे को 5 साल हो गए यूज करते हुए, आज भी मेरे को इसके 5,00,000 रुपए मिल जाएंगे, आज भी मुझे इसके 5,00,000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अब मैंने सोचा यार, अभी ना टाइम नहीं है मेरे पास नई मशीन नई कार को डिसाइड करने का, तो मैं एक काम करता हूं यार, इसको एक साल और यूज ले लेता हूं। अब मैंने एक साल और यूज ले लिया, तो अब इसकी कीमत घट करके 4,00,000 रुपए ही मिलेंगे, और ये 4,00,000 कब मिलेंगे? एक साल बाद। तो एक साल बाद 4,00,000 मिलेंगे, तो उनकी वैल्यू आज के 4,00,000 के बराबर नहीं होगी, उनकी वैल्यू आज के 3,60,000 के ही बराबर होगी। प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट। तो अब मेरे को क्या, एक चीज मुझे बताओ,
इस एक साल के अंदर जो मैंने यूज किया, इस एक साल में जो भी मेरी कॉस्ट लगी वो मेरी केवल इसी निर्णय के कारण से ही लगी ना, कि मैंने आज नहीं करना, एक साल बाद करना है, इसके कारण से। तो मेरी एक कॉस्ट तो मेरी ये हो गई, एक मेरी ये जो 5 लाख मैं कमा सकता था, ये 5 लाख रुपए मेरे को आज मिल जाते, मैंने ये भी तो आज छोड़े ना, मैंने ये 5 लाख रुपए भी तो छोड़े, केवल ये सोच के कि यार अगले साल बेचेंगे। अब तो 5 लाख रुपए मुझे ये भी मेरी कॉस्ट का पार्ट हो गया। माना कि मेरे को 3 लाख 60 हजार रुपये रिकवर हो गए, तो ये 3 लाख 60 हजार मान लिया येल्लो रिकवर हो गए, मान लिया मैंने रिकवर हो गए, लेकिन फिर भी मेरे लिए 5 लाख रुपए तो मेरी कॉस्ट आ गई ना। अब इंस्टीट्यूट, अब सपोज यहां पर जाकर के भी मैं सोचता हूं यार एक साल बाद नहीं, मैं एक काम करता हूं इसको एक साल की जगह 2 साल बाद बेचूंगा, तो 2 साल बाद 4 लाख की जगह भी 3 लाख ही रह गए, और 3 लाख की जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो 2 लाख 40 हजार ही आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मेरे को इवेल्युएट करना है 30 दूसरे साल में, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को पहले से दूसरे साल की जो कॉस्ट लगी वो लूंगा, दूसरे से तीसरे साल की कॉस्ट लगी वो भी लूंगा, और मैं आज बेचता तो मुझे 5 लाख मिलते, वो भी मैं कॉस्ट में लूंगा, और 2 लाख 40 हजार मेरे को फिर भी मिल गए तो वो मैं प्रॉफिट में ले लूंगा। तो मेरे को नेट आज नहीं, 0 साल में रिप्लेस नहीं करके 2 साल बाद रिप्लेस करने का जो निर्णय लिया, उससे मेरे को नेट 2 लाख 60 हजार का प्रॉफिट लॉस हो गया। ये कॉन्सेप्ट है आपका इसके साल्वेज वैल्यू को लेकर के। अब इंस्टीट्यूट आपके पता है क्या गलती करता है, इंस्टीट्यूट कहता है कि 2 लाख 40 हजार कमाने के लिए ना, 2 लाख 40 हजार कमाने के लिए हमने 5 लाख नहीं छोड़े, हमने 360 ही छोड़े। भाई 360 क्यों छोड़े, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहती है, बेस्ट पॉसिबल मैनर। आप मुझे एक चीज बताओ, आज सपोज से मैं हूं, मेरे पास एक ऑप्शन था मैं जॉब कर लूं, एक ऑप्शन था मैं प्रैक्टिस कर लूं, एक ऑप्शन था मैं टीचिंग कर लूं। सपोज मेरे को जॉब में मिल रहे हैं 30 लाख, प्रैक्टिस में मिल रहे हैं 25 लाख, और मेरे को से टीचिंग में मिल रहे हैं 50 लाख। अब मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी 50 लाख के लिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए जो सेकंड बेस्ट को छोड़ा, एक बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए जो सेकंड बेस्ट को छोड़ा, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 30 लाख होगी कि 25 लाख होगी, कि मतलब अगर मैं टीचिंग नहीं कर रहा होता तो मैं क्या करता, मैं जॉब करता कि प्रैक्टिस करता? तो मैं कहूंगा कि मैं तो जॉब करता, क्योंकि जॉब में मेरे को 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलते। सीएमए इंस्टीट्यूट कहता कि नहीं साहब मैं तो प्रैक्टिस करता। अब ये कैसे, कहां का तुक है? तो वहां पे वो लोग जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट साल्वेज वैल्यू के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले रहे हैं वो सेकंड ईयर की ले रहे हैं। अब सेकंड ईयर में तो 3 लाख 60 हजार ही था, तो 3 लाख 60 हजार रुपए का लॉस थोड़ी हुआ है, लॉस हुआ है 5 लाख रुपए का। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो अब हम इसके ऊपर आगे की चर्चा करना चालू करते हैं। और बाकी रही सही बात, अगर नहीं आया तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमको ये क्वेश्चन आपके जब हम लोग करेंगे ना, जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तब हमको आ जाएगा, डोंट वरी। चलो अब हम लोग इसके रिपीटेटिव क्या होता है, नॉन रिपीटेटिव क्या होता है समझा दिया, अब हम इसके नोट्स लिख लेते हैं। रिपीटेटिव कैश फ्लो, तो रिपीटेटिव कैश फ्लो मींस दीज आर दोज कैश फ्लो, दीज आर दोज कैश फ्लोज विच विल बी रिपीटिंग
विच विल बी रिपीटिंग ओवर इनफाइनाइट पीरियड, कि भैया अनंत काल तक ये आपके लिए रिपीट होते चले जाएंगे। दीज कैश फ्लोज आर कैलकुलेटेड अज्यूमिंग फॉर अ मिनट दैट, ये मानते हुए करो कि भैया एग्जिस्टिंग मशीन नाम की कोई चीज है ही नहीं, हमने तो मशीन ही नई पहली बार ही खरीदी है, तो ये मानते हुए इसकी पूरी गणना कर लो। फॉर ए मिनट दीज आर दोज कैश फ्लोज विच विल बी रिपीटिंग ओवर इनफाइनाइट पीरियड, कि भैया बार बार रिपीट होंगे। दीज कैश फ्लोज आर कैलकुलेटेड अज्यूमिंग फॉर ए मिनट दैट एग्जिस्टिंग मशीन डज नॉट एग्जिस्ट, ये मानते हुए करो कि डजेंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करती ही नहीं है। दैट इज दीज आर कैलकुलेटेड दीज आर कैलकुलेटेड इग्नोरिंग एग्जिस्टिंग मशीन, एग्जिस्टिंग मशीन को इग्नोर करते हुए कैलकुलेट करना है जी। तो इन शॉर्ट क्या मैं ऐसा बोल दूं, इन शॉर्ट दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन न्यू मशीन ओनली, दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन न्यू मशीन ओनली। और कैसे कैलकुलेट करना है, इन दी फॉलोइंग मैनर। तो क्या क्या खर्चे हो सकते हैं भैया? सर सबसे पहले ना कैश आउटफ्लो होगा इसमें इनिशियल, होगा तो इनिशियल की प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल आउटफ्लोज की, जो एनुअली आउटफ्लो होते हैं उनको हम ऐड कर देंगे, फिर इसके अंदर से लेस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू को, स्क्रैप वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप वैल्यू, इसको कर दूंगा मैं यहां से लेस। तो क्या इसको लेस करने के बाद मेरे पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट में अगर मैं डिवाइड लगा दूंगा क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का, तो मेरे पास आ जाएगी आपके लिए इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट। ठीक है, खत्म। तो ये तो हो गया आपका रिपीटिंग के लिए। फिर आएगा आपका फिर आ जाएंगे आपके रिपीटेटिव के बाद नॉन रिपीटेटिव। अब नॉन रिपीटेटिव तो आपको पता है ना किसके ऊपर लगना है, एग्जिस्टिंग मशीन के ऊपर। आप चाहें तो या रिपीटेटिव के ऊपर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, न्यू मशीन के ऊपर लगेगा भैया, और नॉन रिपीटेटिव पे लिख सकते हैं आप
ये भैया इन शॉर्ट ना आपका एग्जिस्टिंग मशीनरी है, ठीक है। इसमें क्या लिखना है? दीज आर दोज कैश फ्लोज, दीज आर दोज कैश फ्लोज विच विल बी देयर, विच विल बी देयर फॉर विच विल बी देयर फॉर लिमिटेड पीरियड, विच विल बी देयर फॉर लिमिटेड पीरियड्स। लिमिटेड पीरियड के लिए हैं, दीज विल अराइज ऑन अकाउंट ऑफ, किसके कारण से आ रहा है? ऑन अकाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, ऑन अकाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, हैंस वी विल कैलकुलेट, हैंस वी विल कैलकुलेट इट सेपरेटली, हैंस वी विल कैलकुलेट इट सेपरेटली फॉर ईच पीरियड ऑफ ईच। अभी लिख लीजिएगा, मैं आपको सब कुछ एक साथ समझाऊंगा। ईच पीरियड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑप्शंस, ईच पीरियड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑप्शंस दिस विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर, भैया इस तरह से कैलकुलेशन होनी है। अब कैसे होनी है? तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बच्चा भूल जाएगा वो आएगा यहाँ पर फोरगॉन स्क्रैप, फोरगॉन स्क्रैप लेना है। फिर उसमें ऐड कर देंगे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश आउटफ्लो, इसमें से लेस कर देंगे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप, इसमें ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फॉर द ईयर एक्चुअली सोल्ड, यहां पर जो एक्चुअल में सोल्ड गया ना उस साल का लेंगे, और यहां पर ईयर जीरो स्क्रैप, यहां पे ईयर जीरो का स्क्रैप लेंगे, और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप को यहां से लेस कर दूंगा। यहां प्रेजेंट वैल्यू को लेस कर दूंगा तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, इसमें अगर मैं डिवाइड लगा दूंगा क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का तो आ जाएगा मेरे पास ईएसी, ईएसी आ गया। अब यहां तक का एक बार के लिए आप लोग लिखना अगर कर रहे हैं तो लिखना बंद कर दीजिएगा। केस नंबर वन तो मैंने आपको समझा दिया था, केस नंबर वन के अंदर हमको सिंपली क्या करना है, ये री समरी, एक असेट होती है, ईएसी निकालो हर रिप्लेसमेंट ऑप्शंस के लिए और सेलेक्ट कर लो जिसकी भी लोवेस्ट आ रही है। ये तो केस नंबर वन हो गया। प्रॉब्लम क्या आ रही है केस नंबर टू में? केस नंबर टू क्या कहता है कि जब भैया जब हमारे पास एग्जिस्टिंग मशीन के साथ साथ न्यू मशीन आने का ऑप्शन आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो कॉस्ट है ना उसको दो भागों में बांटेंगे, रिपीटेटिव नॉन रिपीटेटिव। रिपीटेटिव मतलब न्यू मशीन की कॉस्ट, नॉन रिपीटेटिव मतलब एग्जिस्टिंग मशीन की कॉस्ट। लेकिन समस्या केवल और केवल अगर मैं बात करूं तो समस्या कहां पर है? समस्या है स्क्रैप में, कि यहां पर नॉन रिपीटेटिव ओल्ड कोर्स, ओल्ड कोर्स देखो, ओल्ड कोर्स याद आता है, ओल्ड जो मशीनरी है उसके केस में हमको क्या होगा ना, हमारे पास ऑप्शन था कि हम लोग आज बेच सकते हैं,
लेकिन अगर हम उस ऑप्शन को एक्सेस नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे लिए एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भैया वैल्यू लेना है, और फिर एक्चुअल में जो बेचा एक्चुअली सोल्ड तो ये रहा और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये रहा। तो जैसे मैंने कहा था ना, 5 लाख का लॉस है, 5 लाख छोड़ा तो 5 लाख यहाँ, और एक्चुअल में जाकर के आपको 2-3 लाख 60 हज़ार बच गए, तो ये यहाँ पर, तो ये तो प्लस ये माइनस। तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि मेरे को 1 लाख 40 हज़ार, 1 लाख 40 हज़ार का नेट लॉस हुआ है 1 साल आगे जाने के कारण से, क्योंकि मैं जहां पर 5 लाख रुपए मेरे को आज ही मिल जाते, 1 साल बाद में गया 3 लाख रुपए में गाड़ी बेची जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख 70 हज़ार ही थी, तो मेरे को 2 लाख 30 हज़ार रुपये का लॉस हो गया। तो देख लो आप, कॉस्ट में ऐड तो किए 5 लाख, लेस किए 2 70, तो 2 30 मेरी कॉस्ट का पार्ट बन गया, और फिर मैंने उसको क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से डिवाइड करके ईएसी निकाल दिया। अब पॉइंट क्या है, ईएसी हमारे पास दोनों ही कॉस्ट का आ चुका है। ईएसी हमने जो निकाला ना, वो हमने ईएसी दोनों का निकाल दिया, वो हमने ईएसी जो है वो ईएसी दोनों का निकाल दिया। दोनों का मतलब ओल्ड का भी न्यू का भी। अब क्या है, अब डिसीजन लेना है। अब डिसीजन कैसे लें, तो डिसीजन लेने के लिए लिखेंगे नाउ वी विल कंपेयर, नाउ वी विल कंपेयर ईएसी ऑफ रिपीटेटिव जॉब, सॉरी रिपीटेटिव कैश फ्लो, रिपीटेटिव कैश फ्लो, और जो कि किसके लिए होता है, न्यू मशीन के लिए। तो नाउ वी विल कंपेयर ईएसी ऑफ रिपीटेटिव कैश फ्लो न्यू मशीन विथ ईएसी ऑफ नॉन रिपीटेटिव कैश फ्लो, जो कि किसके लिए है, ओल्ड मशीन के लिए। लेकिन अब उसके ना मेरे को किससे कंपेयर करना है, नाउ वी विल कंपेयर ईएसी ऑफ रिपीटेटिव कैश फ्लो विद ईएसी ऑफ नॉन रिपीटेटिव कैश फ्लो ऑफ ऑल डिफरेंट रिप्लेसमेंट पीरियड की, मतलब सारे रिप्लेसमेंट पीरियड के साथ मैं इसको कंपेयर करूंगा, सारे ही सारे रिप्लेसमेंट पीरियड के साथ मैं कंपेयर करूंगा एंड सेलेक्ट दैट पीरियड, एंड सेलेक्ट दैट पीरियड एट विच, अब सेलेक्ट कब करना है, एट विच ईएसी ऑफ, सेलेक्ट ईएसी ऑफ रिपीटेटिव कैश फ्लो, रिपीटेटिव कैश फ्लो इज लेस देन क्या हुआ है, ये इज लेस देन ईएसी ऑफ नॉन रिपीटेटिव, ईएसी ऑफ नॉन रिपीटेटिव कैश फ्लोज। क्या लिख दिया ये मैंने, ढंग से सुनिएगा, नाउ वी विल कंपेयर ईएसी ऑफ रिपीटेटिव कैश फ्लो, मतलब कि जो न्यू मशीन है उसका ईएसी को कंपेयर करना है एग्जिस्टिंग मशीन के, जितने भी हमने एग्जिस्टिंग मशीन के हमने 3-4 बार निकाली होगी ना ईएसी, क्योंकि ईयर 1 पे रिप्लेस करते हैं तो, ईयर 2 पे करते हैं तो, ईयर 3 पे करते हैं तो, ईयर 4 पे करते हैं तो, इन चारों ही ऑप्शन की हमने ईएसी निकाली होगी। अब हम क्या करेंगे, जैसे सपोज से मेरा न्यू मशीन का आया 1 लाख,
ओल्ड मशीन का मेरा एक जगह आ रहा है 150, एक जगह 130, एक जगह आया मेरा 90 और एक जगह आ रहा है मेरा 70। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं क्या कहूंगा, आपका रिपीटेटिव टास्क, सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, 90, 95, 105 और 110। अब मैं अगर तीसरे साल बाद रिप्लेस करूंगा ना, तो मेरा एक्चुअल इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1,05,000। और इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट 3 साल का मतलब क्या होता है पता है, कि ईयर वन पर भी 1,05,000, ईयर टू पर भी 1,05,000 और ईयर थ्री पर भी 1,05,000 का खर्चा। तो मैं ऐसा एक्सेप्ट करूंगा कि आंसर इज नो, नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि भैया तीसरे साल से पहले इसको रिप्लेस कर दो भैया, तीसरे साल में रिप्लेस कर लो, क्योंकि तीसरे साल में ये है ना, ये लंकी लगा देगा हमारी। तो उस टाइम का आपको ईएसी ऑफ नॉन रिपीटेटिव कैश फ्लो जो है उससे जिस दिन कम हो जाए तो उस दिन का ले लेना। और इसकी जगह मैं क्या कह सकता हूं, और वी कैन से, हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, वी कैन से वी विल रिप्लेस ओल्ड मशीन एम स्लैश सी, मतलब मशीन ओल्ड मशीन विद दी न्यू मशीन इन द ईयर व्हेन ईएसी ऑफ न्यू मशीन विल बिकम लोअर। जिस भी साल आपको लगे कि कम हो गई है उस साल आप इसको ले लीजिएगा। अब इसके अंदर असली और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इस पे चाहे 3 स्टार लगा करके काम चला लीजिएगा। फोरगॉन स्क्रैप मींस सालवेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन एट प्रेजेंट अगर बेच दूं तो क्या होगा उसका। हैंस इट्स प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल, हैंस प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू इट्स सालवेज वैल्यू अमाउंट एज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ प्रेजेंट पीरियड विल ऑलवेज वन। अब सबसे पहले मैं ना एक बार आपको इसको, मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर भी कर रहा हूं ताकि आप लोगों ने अगर कोई चीज नहीं लिखी हो तो आप लोग लिख सकें, और मैं हर एक चीज को डिक्टेट करते हुए आज के जो पूरे नोट्स हम लोगों ने लिखे हैं उस पूरे नोट्स को एक बार वापस से समराइज कर रहा हूं, फिर हम हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है उसकी तरफ मूव करेंगे, फिर हम लोग हमारे पूरे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को पूरा रिवाइज करेंगे और इस तरह से हमारी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आइए फुल स्क्रीन के दर्शन कराते हैं आपको। तो अब ये फुल स्क्रीन के जो दर्शन है ये आपको कहाँ से करने हैं, ये फुल स्क्रीन के दर्शन आपको नॉन रिपीटेटिव, ये तो नॉन रिपीटेटिव वगैरह तो हटाओ, आपको करना है केस नंबर 1 से, सॉरी केस नंबर 1 तो मैंने आपको पूरा डिस्कस अभी अभी जस्ट लिसेंट किया, केस नंबर 2 पे आइए। केस नंबर 2 पर आइए आप, केस नंबर 2 क्या कह रहा है, ये रहा
केस नंबर टू कह रहा है, मैं एक एक लाइन एक एक वर्ड डिक्टेट करते हुए चल रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। व्हेन ए प्रॉब्लम डिस्कस्ड इन ए क्वेश्चन इज हैविंग वन एग्जिस्टिंग मशीन, जब आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक एग्जिस्टिंग मशीन ऑलरेडी हो। मैं कहां पढ़ रहा हूं मैं आपको बता देता हूं, जिनको नहीं दिख रहा उनके लिए, वैसे दिखने को सबको दिख रहा है। व्हेन ए प्रॉब्लम डिस्कस्ड इन क्वेश्चन इज हैविंग वन एग्जिस्टिंग मशीन इट इज बीइंग यूज्ड फॉर क्वाइट सम टाइम, मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी एक ओल्ड एग्जिस्टिंग मशीन है जिसको हम लोगों ने कुछ समय के लिए ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं। एंड नाउ वी वॉन्ट टू रिप्लेस इट विथ सम अदर मशीन, और अब हम चाहते हैं कि हम इसको किसी अदर मशीन के साथ रिप्लेस कर दें। तो क्या करना चाह रहा है, तो सो नाउ वी नीड टू डिसाइड व्हेन टू रिप्लेस, अब हमको ये डिसाइड करना है कि भैया रिप्लेस करना तो चाहते हैं लेकिन कब करना चाहते हैं ये अभी डिसाइड करना बाकी है। इसके लिए उन्होंने हमारे CMA आशुतोष लाटा, CA CMA ऑल इंडिया रैंक 1 CMA फाइनल को बुलाया। तो अब हम गए तो क्या कहा, इन दिस केस वी विल डिवाइड ऑल द कैश फ्लो को दो पार्ट में बांट दो। भैया मैं जाते पहले मैंने क्या कहा कि भैया दो पार्ट में बांट दो, तो किस किस में, तो कहा एक तो रिपीटेटिव में बांटो और एक नॉन रिपीटेटिव में। तो बोलेगा ये क्या रंबाद है, हमको तो पता ही नहीं है रिपीटेटिव क्या होता है नॉन रिपीटेटिव क्या होता है। तो मैंने उसको बताया कि मैंने कहा सुन अब ध्यान से, मैंने कहा दो दीज आर दोज कैश फ्लो विच विल बी रिपीटिंग ओवर इनफाइनाइट पीरियड। मैंने कहा रिपीटेटिव का मतलब तो वो वाले कॉस्ट होते हैं जो कि आपके इनफाइनाइट पीरियड तक के लिए रिपीट होते चले जाएंगे, कौन से कैसे, तो कहा दीज कैश फ्लोज आर कैलकुलेटेड अज्यूम करते हुए फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए ये फॉर्म करे कि एग्जिस्टिंग मशीन डज नॉट एग्जिस्ट, आप ये मान के चलो कि एग्जिस्टिंग मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो नहीं करती है ये अगर हम लोग मान लेंगे तो क्या होगा, दैट इज दीज आर कैलकुलेटेड इग्नोरिंग एग्जिस्टिंग मशीन, कि ये आपकी कैलकुलेट ऐसे की जाएगी कि आपको आपकी एग्जिस्टिंग मशीन को इग्नोर करना है। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन न्यू मशीन ओनली, और ये आपके फॉलोइंग मैनर में कैलकुलेट होता है। कैसे, सबसे पहले हम इसका इनिशियल कॉस्ट ले लेंगे, इसकी एनुअल कैश आउटफ्लो ले लेंगे, और इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप वैल्यू को लेस कर देंगे। तो ये तीनों चीज़ें जब हम ले लेंगे, तो तीनों चीज़ें लेने के बाद हमारे पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट के अंदर क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का डिवाइड लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगी EAC। नॉन रिपीटेटिव का अर्थ क्या होता है कि भैया दीज आर दोज कैश फ्लो विच विल बी देयर फॉर लिमिटेड पीरियड। अब ऑब्वियस बात है नॉन रिपीटेटिव मतलब जो रिपीट बार बार नहीं होगा, तो लिमिटेड पीरियड ही तो होगा। तो दिस विल अराइज ऑन अकाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, और ये नॉन रिपीटेटिव क्यों कहला रहा है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग मशीन पे कह रहे हैं और हम तो खुद ही कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग मशीन तो खुद ही दो तीन में साल की मेहमान है, तो जब खुद ही दो तीन साल की मेहमान है तो नॉन रिपीटेटिव ही होगा ना। तो हैंस वी विल कैलकुलेट इट सेपरेटली फॉर ईच पीरियड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑप्शन, लेकिन ये इसकी कैलकुलेशन हम लोग जैसे अभी हमने केस वन में किया था ना कि डिफरेंट डिफरेंट पीरियड दे रखे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड की पूरी की सारे हर एक साल के लिए कैलकुलेट करेंगे। और वो कैसे होगा, असली इसका अंदर केस है जो अलझेगा ना वो फॉरगॉन कैश फ्लो के ऊपर ही अलझेगा, क्योंकि हम लोग को ये फॉरगॉन कैश फ्लो है ना, ये जो आपका है स्क्रैप, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे जो हमारी गलती हो जाएगी। इसमें हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो लेना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप लेना। आपको याद है हमने केस वन के अंदर फॉरगॉन स्क्रैप की जगह इनिशियल कैश आउटफ्लो लिया था, तो ये एक प्रकार से आपके आगे कंटिन्यू करने के कारण से ही तो हो गया। अगर मैं आगे कंटिन्यू नहीं करता तो मैं आज इसको 5 लाख रुपए में बेच देता हूँ होंडा सिटी को, तो 5 लाख में नहीं बेचना मान लो, या आप लोगों के लिए नहीं लाना मान लो, एक ही बात तो है, नहीं लाते हैं तो हमारे पास पैसे जाते हैं, तो एक बार एक प्रकार से पैसे आने को रोकना भी तो जाने के बराबर ही है। आज अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 5,000 रुपये आने थे लेकिन नहीं आए, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास से 5,000 गए? आज अगर सपोज मैं ऐसे कहता हूं कि मेरे पास 100 बच्चों का आना लिखा था, 100 बच्चे आते मुझे 10,000 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए की फीस देकर के जाते, लेकिन वो उनको किसी कारणवश उन्होंने एग्जाम को लेकर के उन्होंने सोचा कि हम लोग सेल्फ पढ़ेंगे, तो मेरे पास वो 10 लाख रुपए आते जो नहीं आए, तो क्या मेरे लिए वो एक प्रकार से कॉस्ट हो गई क्या? तो सेम लाइकवाइज ये यहां पर है, यहाँ पर जो फॉरगॉन स्क्रैप है, ये जो फॉरगॉन स्क्रैप है ये क्या है,
ये आपके एक प्रकार से कोस्ट का हिस्सा ही तो है। कोस्ट का हिस्सा कैसे होगा? क्योंकि यहां पर ना आपके एक चीज होगी कि आपके लिए आप बेच सकते थे, लेकिन आपने बेच नहीं बेचने का निर्णय लिया। नहीं बेचने का निर्णय लिया तो जो पैसा आपको मिलता वो आपको नहीं मिला, जो आपको पैसा मिलता वो आपको नहीं मिला। तो वो 5 लाख रुपए आपको मिल सकते थे लेकिन नहीं मिले, और नहीं मिले तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आपके लिए हो गई, आज एक नई आपके लिए इस तरफ भी आके यूज करके देख लेता हूं मैं, तो अगर नहीं, यहां वाला तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा, यही वाला सही है अपने लिए। तो फॉरगॉन स्क्रैप के अंदर क्या है ना, तो आपको वो मिल सकता था, 5 लाख रुपए में मैं बेच सकता था, नहीं बेचा। अब बेच सकता था नहीं बेचा तो मेरे लिए कॉस्ट ही हो गई ना एक प्रकार से। आज मेरे घर के अंदर सपोज से मेरे घर में 5 कारें रखी हैं, 5 में से एक कार को बेचने का मैंने सोचा, 5 में से 1 कार मैंने बेचने का सोचा जिसके मेरे को 3 लाख रुपए मिल रहे थे। एट द सेम टाइम मेरे को ना एक काम हुआ कि मेरे घर में कोई मेरे चाचा का बेटा आ गया। अब मेरे को मेरे चाचा का बेटा आ गया तो मेरे पापा ने कहा कि भैया आपके ना चाचा का बेटा आया है, इसको भी एक कार चाहिए, तो जो तुम अभी बेचने की सोच रहे थे ना वो छोटी वाली कार, उसको बेचो मत। अब आप भी जानते हैं, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली होती है तब की बात अलग है, लेकिन अगर आपके ज्वाइंट फैमिली नहीं है और आपके तो चाचा तो आपको देखते ही नहीं है, आपको देख ही नहीं सकते, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या सोचोगे? भैया मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को तो 3 लाख रुपए मिलते, ये चाचा के बेटे को मैं मेरी कार दूंगा तो मेरे को तो 3 लाख का लॉस हो गया ना। 3 लाख रुपए मुझे मिलते तो 3 लाख रुपए मुझे कार के मिलते जो इस चाचा के लड़के को देने के कारण नहीं मिल रहे, तो मेरे लिए तो 3 लाख का लॉस है ना। तो वही 3 लाख का लॉस फॉरगन स्क्रैप के नाम से आता है, ठीक है। और फिर इसमें मैं मेरी आपके आउटफ्लो के प्रेजेंट वैल्यू जो एनुअल थी उसके ले लूंगा, स्क्रैप की प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन स्क्रैप अब कौन सा लूंगा? जब मैं अब मैंने उसको दिया कब? आज दिया, वो यहां पे रह के गया, 3 साल कॉलेज का टाइम निकाल के गया, और 3 साल बाद पूरी गाड़ी की खटाला करके ऐसे झुक 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 करके, अब वो गाड़ी ऐसी कि उसको बेचने के लिए भी मैं जाऊं तो वो सामने वाला कहता है कि बेचने के लिए दिखाने आओ, तो मैं कहा सॉरी मैं दिखाने के लिए नहीं आ सकता क्योंकि गाड़ी आपके तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में गाड़ी कर दी, अब वो गाड़ी मेरी बिकी 50,000 में। तो यहां पर इस जगह पर मुझे 3 लाख रुपए का तो लॉस हो गया, माना 50,000 मिले, लेकिन कब मिले? 3 साल बाद मिले। अब वो 50,000 3 साल बाद के बोलूं तो वो आज के तो 40,000 के बराबर ही हुए, 3 साल बाद के 50,000 आज तो 40,000 रुपए ही हुए। मतलब आज अगर मैं 40,000 रुपए, कोई मेरे को 40,000 रुपए देता तो उसके बराबर ही हो गए। तो मेरे को इन शॉर्ट 3 लाख रुपए का तो लॉस हुआ, उस 3 लाख के लॉस में से मैंने 40,000 का लॉस तो मैंने रिकवर कर लिया, तो मेरे को नेट लॉस कितना हो गया? 2,60,000 रुपये मेरी नेट लॉस हो गया, वो मेरी कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। इस तरह से मैंने ये कैलकुलेशन करी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। फिर प्रेजेंट वैल्यू, फिर डिसीजन कैसे लेना है? डिसीजन लेना है आपको एग्जिस्टिंग मशीन, आपका न्यू मशीन का ईएसी निकाला, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकाली, फिर उसमें से आपको लेस कर देना है आपके लिए, उसके अंदर आपको लेस कर देना है किसकी कॉस्ट, आपको चेक करना है, कंपेयर करना है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आपके न्यू मशीन की ओल्ड मशीन के साथ। तो ओल्ड मशीन का आपका हर साल का चेक करते चलिए, जिस साल आपको लगे कि भैया न्यू मशीन जो है उसकी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आपसे कम आ रही है, तो फटाक से न्यू मशीन पे स्विच मार दीजिए। और आपके लिए फॉरगॉन स्क्रैप का मतलब क्या है वो मैंने समझाई दिया है। अब हम लोग फटाफट से इसके क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, चलिएगा क्वेश्चन के ऊपर स्विच करते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज, ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारी बुक का भी क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसका इंस्टीट्यूट का मटेरियल का सॉल्यूशन आपको नहीं देखना है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये आपको इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन आपको नहीं देखना है, इसका सॉल्यूशन आपको इंस्टीट्यूट का गलत मिलेगा, चाहे मैं आप कहूं तो यहां पर मैं आप लोगों के मेंशन कर देता हूं। रॉन्ग
सॉल्यूशन इन एसएम। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फटाफट से देखेंगे ताकि हम लोग हमारे रिवीजन के लिए समय निकाल सकें। सीके प्राइवेट लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग वेदर टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग मशीन और टू स्पेंड मनी ऑन ओवरहॉलिंग इट। वो आपसे पूछना चाहता है कि भैया एग्जिस्टिंग मशीन को मैं रिप्लेस कर दूं या फिर उसके ओवरहॉलिंग पर मैं खर्चा करूं। ओवरहॉलिंग मतलब कि उसके टूल्स वगैरह जो हैं वो मैं उसके पूरा, मतलब कहने का मतलब इन शॉर्ट पता है क्या, आपने वो नाम सुना है क्या, फुल सर्विस हाफ सर्विस बाइक का। उसमें क्या होता है ना, इंजन का हाफ काम इंजन का फुल काम, उसे कहेंगे ओवरहॉलिंग, जो कि आपके लिए एक प्रकार से कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं और आपके प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं उस मशीन की, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, ओवरहॉलिंग कहलाता है। रिपेयर का मतलब तो दो तरह की कॉस्ट है, एक तो रिपेयरिंग एक ओवरहॉलिंग। रिपेयर आपके रेगुलरली कोई भी काम आ रहा है छोटा मोटा, उसके अंदर आप लोग रिपेयर करना है। ओवरहॉलिंग मतलब उसके टूल को ही चेंज करने की जरूरत पड़ जाए, टूल्स ही चेंज कर दें अपन। ठीक है, सीके प्राइवेट लिमिटेड करंटली पेज नो टैक्सेस, कोई टैक्स नहीं देते, बहुत बढ़िया। द रिप्लेसमेंट मशीन कॉस्ट 90,000। रिप्लेसमेंट अगर अपन करते हैं तो जो नई मशीन आएगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब जो नई मशीन आएगी उसकी कॉस्ट 90,000 नाउ एंड रिक्वायर मेंटेनेंस 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 8 ईयर्स। 90,000 रुपये का तो खर्चा आएगा भैया, और उसमें से 90,000 में से 10,000 रुपये उसके हर साल का उसका मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा। एट द एंड ऑफ 8 ईयर इट वुड हैव साल्वेज वैल्यू 20,000 है, जिसमें बेच देंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग मशीन रिक्वायर इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ईच ईयर, और वहीं दूसरी तरफ एग्जिस्टिंग मशीन जो है उसके मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जाएगी हर साल। इट साल्वेज वैल्यू फॉल्स ईच ईयर, और साल्वेज वैल्यू गिरती जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा यूज करते जाओगे साल्वेज वैल्यू, पहले 5 लाख की कार बेच सकता था, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख, फिर 50,000 और फिर भंगार के भाव। ईयर्स मेंटेनेंस साल्वेज, देखिए अगर मैं आज अगर इसको आज की तारीख में बेच देता तो मेरे को 40,000, तो ये वो 40,000 रुपए हैं जो मेरे को आपके लिए फोरगोन में जाएंगे। याद है आपको साल्वेज वैल्यू फोरगोन के अंदर, तो यहां पर वो 40,000 जाएंगे। फिर अगर पहले साल का जाऊंगा, पहले साल अगर मैं स्क्रैप करता हूं तो 25,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल करता हूं तो 15,000 मिलेंगे, तीसरे साल करता हूं तो 10,000 मिलेंगे, चौथे साल करूंगा तो कुछ ही नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। मेंटेनेंस कॉस्ट 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, हर साल 10-10,000 बढ़ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15% दे रखी है। क्वेश्चन पूछना चाहता है व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस मशीन, की कंपनी को कब मशीन रिप्लेस कर देनी चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर से 8 साल का दे रखा है 4.4873, प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपए का 8वें साल का दे रखा है 0.3269। आपको इसका पूरी कैलकुलेशन करनी है। ओके साहब, कर देंगे। तो सबसे पहले तो क्या करूंगा मैं, रिपीटेटिव जॉब की कॉस्ट निकालूंगा, सॉरी रिपीटेटिव जॉब बार बार निकल रहा है। सबसे पहले रिपीटेटिव कैश फ्लो, तो क्वेश्चन नंबर रहेगा मेरा 4। ये मेरे नोट्स यहां पे खत्म, नोट्स को विराम दे दिया हमने। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारे लिए चौथा। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले मैं निकालूंगा इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ, अब मैं या तो इसको रिपीटेटिव जॉब भी बोल दूं, लेकिन आप लोग रिपीटेटिव जॉब नहीं यार, रिपीटेटिव कैश फ्लो, जॉब जॉब जॉब, रिपीटेटिव जॉब निकल रहा है बार बार, ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में लिखना मत भूलना, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको, एक काम कीजिएगा रिपीटेटिव कैश फ्लो वाला जो वर्ड है ना वो आप एग्जाम में मत लिखो, एग्जाम में रिपीटेटिव कैश फ्लो मत लिखो आप लोग, आप तो इस जगह ईएसी ऑफ, आप तो ईएसी ऑफ न्यू मशीन ही कर लो भैया, आप तो न्यू मशीन का ही कैश फ्लो का ईएसी निकाल लो, न्यू मशीन कैश फ्लो का ईएसी। अब इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले इनिशियल आउटफ्लो कितना है, 90,000 रुपये है तो 90,000 का 90,000 ही आ जाएगा, प्लस
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो कि है 10,000 रुपये, लेकिन क्योंकि हर साल लगता है तो हर साल लगेगा तो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 10,000 का पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू एम प्लस, दूसरे साल का एम प्लस, तीसरे साल का एम प्लस, आठवें साल का एम प्लस, तो ऐसे करके आठों साल का एम प्लस लिया तब जाकर के ये आएगा। तो आठों साल का कितना दे रखा है, क्वेश्चन ने दे रखा है, तो हम क्वेश्चन वाला ही फिगर उठाएंगे। क्वेश्चन ने हमको दे रखी है डिटेल, कहां दे रखी भाई क्वेश्चन ने डिटेल? क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन भैया कहां हो तुम? बचपन में सुना था ना आलू का चालू बेटे, कहां गए थे? क्वेश्चन नंबर चार में खो गए थे। क्वेश्चन नंबर चार में ईएसी की रेट निकाल रहे थे, कहां गई? 4.4873। ओके साहब, 4.4873। जब तक ये हमारा रिएक्ट करें ना बाबू, तब तक हम इंतजार करते हैं। 4.4873। ओके, खुल जाओ सिम सिम। अब ये जब तक खुलेगा तब तक मैं भूल जाऊंगा कितना था। 4.4873, 4.4873, 4.4873 कहाँ गया बाबू? खुल जा सिम सिम। ये क्या हो रहा भाई, इतने सारे नोट्स लिखे थे कहाँ गए? अच्छा अपलोड हो रहा है अभी, है देखो यहाँ तक का अपलोड हो गया, अभी आगे का अपलोड नहीं हुआ अभी। मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक ये अपलोड हो रहा है, फालतू आप लोगों का टाइम खराब क्यों करे। चलिए ये हो गया रिप्लेस, तो 4.4873, 4.4873 का मतलब क्या आ गया? ये हो गया भैया रुपीज 44873। अब इसके अंदर से इसकी जो साल्वेज वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेस कर दूंगा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साल्वेज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साल्वेज वैल्यू, और साल्वेज वैल्यू कितनी है देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साल्वेज है क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर, कहाँ दे रखा है? ये रहा 20,000, 20,000 है, और इसका फैक्टर क्या दे रखा है? 3269, 20,000, 3269, 20,000, 3269। अब क्या हो गया यार, तो ये हो जाएगा 20,000, 3269, तो ये आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 0.3269, तो ये आ जाएगा आपका रुपीज 6538, और इसके अंदर से इसको लेस कर दूंगा तो 90,000 प्लस 44873 माइनस 6538, तो मेरे पास ये इसकी कॉस्ट जो है ना, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, या मैं यूं कहूं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट आ जाएगी 128335। और अगर मैं इसमें से 4.4873 का डिवाइड लगा दूंगा, जो कि मेरे लिए क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 1 to 8 ईयर्स का, उसका अगर मैं डिवाइड लगा दूंगा, रिएक्ट कर रहा है ये, तब कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं अभी, देखना ये जादू। इसमें अगर मैं डिवाइड लगा दूंगा 4.4873 का, तो मेरे पास आ रहा है 28599.60, तो मैं इसको लिख देता हूं 28,600 कर देता हूं,
क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं मजे ले रहा हूं। 28,600 तो ये हो गया भैया इसके लिए ईएसी, ये हो गया इसका ईएसी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके लिए न्यू मशीन का ईएसी। अब आते हैं ओल्ड मशीन की कैलकुलेशन पर। ओल्ड मशीन के बारे में क्या दे रखा है देखिएगा एक बार। तो ओल्ड मशीन के लिए साल्वेज दे रखा है 40,000, 10, 20, 30, 40, ये आपका वो जा रहा है। मैं एक बार के लिए इस डेटा को लिख लेता हूं ताकि हमारी कैलकुलेशन के लिए हमको बार बार इधर स्विच नहीं मारना पड़ेगा। गिवन ईयर 0, 1, 2, 3, 4 और यहां पे आ जाएगा मेंटेनेंस कॉस्ट जो कि है आपकी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और यहां पर मेरी आ जाएगी साल्वेज वैल्यू जो कि है इधर तो है, अगर मैं आज ही बेच देता तो 40,000, आज ही अगर मैं बेच देता तो 40,000, पहले साल के एंड में अगर मैं बेचूंगा तो आएगी 25, 15, 10, 0, 25, 15, 10, 0। पच्चीस पंद्रह 10, 0 25, 15, 10, 0 ये हो गया मेरे लिए भैया डेटा तैयार। बस अब मेरे को क्या लेना है ना, अब मेरे को यहाँ पे रेट लेनी है, अब मेरे को यहाँ पर बस एक बार रेट ले लेनी है कि वहां पे रेट क्या दे रखी है। अब मेरे को यहां की रेट, तो यहां की रेट है भैया 15% का फैक्टर है, ठीक है भैया। अब तो हम बाकी का क्वेश्चन हमको इधर आने की जरूरत ही नहीं। अब डिस्काउंटिंग रेट है हमारे पास 15% है साहब, तो 15% डिस्काउंटिंग रेट है। अब देखो, अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। पहला केस इफ रिप्लेस, ये भी मजे लेने पे आ गया भैया, रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। अरे भैया बच्चों को हमारे को क्या डिवीजन कराने देंगे, नहीं दोगे भैया? जस्ट ए सेकंड, मैं इसको एक बार बंद करके वापस चालू करता हूँ, तब तक आपके लिए मैं पोज कर रहा हूँ। चलिए अब आई थिंक अब ये ठीक से रिएक्ट करना चाहिए क्योंकि मैंने इसको पूरा बंद करके वापस से चालू किया है। तो अगर मैं इफ रिप्लेस, क्या अभी भी काम नहीं करेगा क्या? अब करेगा। इफ रिप्लेस आफ्टर 1 ईयर, अगर एक साल के बाद ही रिप्लेस कर दें तो क्या होगा? तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है? फोरगोन स्क्रैप, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फोरगोन स्क्रैप
तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरगॉन स्क्रैप कितना होगा? फॉरगॉन कितना किया स्क्रैप हमने? हमने सर, अरे फॉरगॉन स्क्रैप कहाँ है, ये रहा, 40,000 का किया है सर। तो फॉरगॉन स्क्रैप की वैल्यू 40,000। इसमें ऐड कर दूं अगर मैं मेंटेनेंस कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस ये मेंटेनेंस हो गया है, इसको एच नहीं एन मानना। तो प्रेजेंट वैल्यू मेंटेनेंस 10,000 का मेंटेनेंस होगा 15% के रेट से। तो यहां पर आपने देखा, मैं अभी यहां पर डिजिट कितने लूं, मैं कितने डिजिट तक लूं? आंसर इज 4 डिजिट तक। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो हमको क्वेश्चन के नीचे जो सजेस्टेड में इन्होंने जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए थे, वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हमारे को गिवन है 4 डिजिट तक। तो अब हम भी 4 डिजिट तक निकालेंगे 15% का। तो 1 / 1.15 एक आपका रहेगा 10,000 रुपए, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रहेगा इसका 0.8696। तो आपकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 8696। अब इसके अंदर से आपको लेस कर देना है, इसके अंदर से आपका लेस हो जाएगा सालवेज वैल्यू, और सालवेज वैल्यू कितनी है, 25,000। तो लेस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सालवेज। अब देखिए आप, अब यहां पर मैं सालवेज वो ले रहा हूं जो एक साल के कंप्लीट होने के बाद आएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सालवेज वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सालवेज वैल्यू जो कि है मेरे लिए 25,000। तो 25,000 का 0.8696 इसके हिसाब से 25,000 × 0.8696 तो आ जाएगा आपका 21,740 रुपए का। अब लेकिन ये क्या आएगा, नेगेटिव में। तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, तो ये आ जाएगी आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट, और वो कितनी आ रही है, 40,000 + 8696 − 21740। तो ये आ जाएगी आपके पास 26,956। क्या यही मेरे लिए इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट है? आंसर इज नो सर। इसमें आप क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का डिवाइड लगाओगे ना, तब आएगा। तो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक साल के लिए क्या रहेगा, 0.8696। इसका डिवाइड लगाओ सर, 0.8696, तो इसका डिवाइड लगाया ना, तो सर आएगा आंसर 30,998। तो आपके लिए 30,998 रुपये आ गई इसकी ईएसी। कब? जब मैं आपके फर्स्ट ईयर में रिप्लेस कर दूंगा तब, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, आपके नीचे आइए। अब दूसरा इफ रिप्लेस आफ्टर 2 ईयर्स, अब मैं थोड़ा शॉर्ट्स में लिखूंगा, आपको पूरा फुल लिख लेना है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉरगॉन स्क्रैप जो है उसकी वैल्यू, तो वो तो 40,000 का 40,000 ही आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस, तो देखिए अब इसमें ईयर वन ईयर टू, ईयर वन का हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट करके आ चुके हैं 8696, तो मैं उसको वापस से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ईयर टू का जरूर करूंगा। तो ईयर टू का कितना है फिगर, आज इसने भी मजे ले लिए मेरे, भाई एक इंसान पूरी रात जागा हुआ क्लास रिकॉर्ड कर रहा है, थोड़ा तो शर्म करे यार, ऐसा मैं इसको बोल रहा हूं। अब है 20,000, तो 20,000 रुपए, और दूसरे साल का फैक्टर क्या रहेगा, 1 / 1.15 एक दो, तो यह आ जाएगा 0.7561, तो यह आ जाएगा 0.7561 / 20,000,
तो ये आ जाएगा 15,122। इसमें से लेस कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप कब आएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप 25,000 रुपये मिले हैं भैया, सॉरी 15,000। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.7561, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.7561 तो ये हो गया आपका 11,341 रुपये 50 पैसे नेगेटिव। तो यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा? 40,000 तो प्रॉफिट फॉर कौन का? 8696 इसका, 15122 इसका, इसमें से माइनस कर दूंगा 11341.50, तो मेरे पास ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट, ये कितना आएगा? 52476.50। इसमें डिवाइड कर दूंगा क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का, और क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आएगा? सर पहले साल का ले लो और दूसरे साल का ले लो, तो पहले साल का तो कितना आ रहा था? तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, एक दो दो साल का लिया जीटी किया तो 1.6257, तो 1.6257 इसके अंदर डिवाइड कर दूंगा अगर मैं 52476.50 डिवाइडेड बाय 1.6257, तो ये फिगर आ जाएगा 32279, तो 32279 ये आ जाएगा आपके लिए ईएसी अगर दूसरे साल में करते हो तो, दूसरे साल में करते हो तो अगर इसका ईएसी आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा तीसरा, ऑल दो आप लोग चाहते तो इसका उसी तरह से सॉल्यूशन कर सकते थे हम लोग, जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन नंबर 7-8 में किया था ना, 7 में, सेम उस तरह से एक ही सारणी में मेरे चारों साल का निकाल सकता था मैं, लेकिन वो थोड़ा ना उसमें आपका कुछ गलती होने के चांसेस बढ़ते हैं उसमें। इफ रिप्लेस आफ्टर 3 ईयर्स, अगर 3 साल बाद रिप्लेस करते हैं तो, भाई 3 साल बाद रिप्लेस करोगे ना तो देखो आप फोरगॉन स्क्रैप तो आएगा ही आएगा 40,000 का, मेंटेनेंस लोड ले लो तो ईयर 1, ईयर 2 ये तो एज इट इज ऊपर से उठा लो, ईयर 1 और ईयर 2 तो 8696 और 15,122, 8696 15,122 ये तो इसका हो गया। ईयर 3 की कैलकुलेशन करनी है, ईयर 3 में कितना आ रहा है? 30,000 का, ईयर 3 में 30,000 है और तीसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 डिवाइड बाय 1.15, 1, 2, 3 तो यह आ जाएगा आपका 0.6575, तो 30,000 मल्टीप्लाई 0.6575 तो यह आ जाएगा इसका 19725। इसमें से अगर मैं लेस कर दूंगा प्रेजेंट वैल्यू स्क्रैप की जो कि मेरी कितनी आ रही है, 10,000 है भैया, अभी तीसरे साल में 10,000, चौथे साल में नील, तीसरे साल में 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6575 तो ये आ जाएगा 6575 नेगेटिव में। इससे यहां पे आ जाएगी इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट, वो कितनी आ रही है? 40,000 तो वो
प्लस 8696 प्लस 15122 प्लस 19725 माइनस 6575, तो ये आ जाएगा आपका 76968। इसमें अगर मैं डिवाइड कर दूंगा क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का, और वो कितना आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 1 2 3 तीनों साल का टोटल 2.2832। तो 76968 डिवाइडेड बाय 2.2832, तो ये आ जाएगा इसका 33710। EAC तीसरे साल का भी हो गया। अब आ जाइएगा आखिरी समय आ चुका है हमारे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को कंप्लीट करने के लिए। फिर मैं आपको 10 से 15 मिनट में फटाफट फटाफट इस चैप्टर को रिवाइज कराऊंगा। ये तो हमारे को ना आज धोखा दे रहा है, ये चंद्रू बना दिया आज इसने हमको। इफ रिप्लेस आफ्टर 4 ईयर, 4 ईयर बाद रिप्लेस करेंगे तो फॉरगोन स्क्रैप अगेन 40,000। सर ये हर में बार बार क्यों ले रहे हो, एक में ले लेते तो पता पड़ता। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर में अलग अलग, इसलिए क्योंकि इन चारों में से कोई सा भी एक सेलेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि चारों सेलेक्ट होंगे, तो चारों में से कोई सा एक सेलेक्ट होना है, या चारों में से हो सकता है कि न्यू मशीन ही सेलेक्ट हो जाए। तो इसलिए हमको हर के ऊपर एक्सक्लूसिव काम करना है कि भैया एक्सक्लूसिवली 4 साल बाद कर दूं तो ऐसा। फिर इसमें मेंटेनेंस, अब की बार मैं ना आप लोगों के लिए ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 ये तीनों के वैल्यूज आप लिखेंगे। मैं तो इसका तीनों का टोटल उठा लाता हूं यहां से, 8696 प्लस 15122 प्लस 19725। मैं इसका टोटल उठा लाया, लेकिन आप लोगों को पूरा लिखना है। आज बड़ा धोखा दे रहा भाई है। ये तब के हालात हैं कि अब की बार मैंने इसको अपग्रेड कर दिया है। आप लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मैंने इसको अपग्रेड कर दिया है। हम लोगों ने इनका सब्सक्रिप्शन ले लिया है, इनको पैसा भी दे दिया, तब के हालात हैं ये तो। 8696151122 सही है क्या, 19725, कोई बात नहीं 19725, मैंने पूरा ही उतार दिया है, मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे। 8696 और ईयर फोर पे क्या रहेगा ना खर्चा, 40,000 का है आई थिंक, एक बार चेक और कर लेते हैं। चेक तो तब करें ना जब ये ऊपर नीचे होएगा। चेक तो तब करें भैया, कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा है। ऐसे तो क्या रिवीजन करवाने देगा मेरे को ये भैया, प्लीज 40,000। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 1 2 3 4 0.57175 हो रहा है, तो 0.5। सर कूल रहो, आप ना इसके बराबर मत हो, ये कर रहा है, अब करने दो इसको, क्या है करेगा जो करेगा ही अभी है। आया 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 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5718, तो 40,000 मल्टीप्लाई 0.5718
इसका आ जाएगा 22872। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सालवेज वैल्यू सर निल, क्योंकि है ही नहीं कोई, अब नहीं है तो इसका हमारा टोटल, तो यहाँ तक का टोटल आ जाएगा 40,000। तो 1869611512119725122871। तो ये आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट 106415 डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से डिवाइड लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि हमें ना ईएसी चाहिए, और ईएसी चाहिए मतलब 106415 1 डिवाइड बाय 1.15 1 2 3 4 जीटी, तो आ जाएगा 2.8550। तो 106415 डिवाइडेड बाय 2.855, तो आ जाएगा 37273। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि न्यू मशीन का जो था वो 28,600 के लगभग का था, मुझे तो ऐसा याद आ रहा है, मुझे तो ऐसा याद आ रहा है कि 28,600 रुपये था। जस्ट वेट, मैं इसको वापस सॉर्ट आउट करता हूँ। चलिए अब देखिएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने ये 28,600 आ रहा है आपका न्यू मशीन का ईएसी। अट्ठाईस हजार छह सौ से ज्यादा है क्या? आंसर इज यस, 28,600 से ज्यादा है। कंपेयर किसके बीच में करना है? ओल्ड और न्यू के बीच में। तो अभी तक न्यू कह रहा है कि 28,600 पे ही काम कर लूंगा मैं, और ओल्ड कह रहा 30,900 ओके, 32,000 ओके, 33,000 ओके, 37,000 वाह। तो इन शॉर्ट क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि भैया न्यू मशीन पे मुझे आज ही स्विच कर देना है? क्यों? सिंस ईएसी फॉर ऑल, फॉर ईएसी फॉर ऑल, फॉर ईएसी फॉर ऑल 1 to 4 years आर मोर देन ईएसी ऑफ न्यू मशीन्स। Hence, we can say, machine should replace, या मैं यूं लिखूं, old machine should replace with new machine now, आज ही कर दो भैया रिप्लेस। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशन आप लोगों के गलत हैं, इसके सॉल्यूशन क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट के मैट से उठाए हुए थे,
और इंस्टीट्यूट के मैट के अंदर ये क्वेश्चन गलत सॉल्व किया हुआ है, तो आपका 28,600 वाला मैच करेगा, बाकी आपके सॉल्यूशन मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन थी, और अब मैं आप लोगों के लिए एक बार क्विक में पूरा लाइफ साइकिल कॉस्ट हम लोग रिकैप करने वाले हैं, फटाफट से करेंगे रिकैप, ताकि आपका जो बैक ऑफ द माइंड में है वो फ्रंट ऑफ द माइंड में आ जाए, और उसके लिए हमारे को इसकी सहायता चाहिए कि अब ये पता नहीं कितना सहायता दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। आधे आधे एक्ट कर रहा है ये। आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहा हूं मैं इसको, बड़ी आसानी से सहजता के साथ। देखिएगा, सबसे पहले ना हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया था लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम लोग कैलेंडर बेसिस के ऊपर प्रॉफिट और कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हम प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट की लाइफ पूरी लाइफ के दौरान कितना कमाया कितना लगाया उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? आपका कोई भी प्रोडक्ट है उसकी पूरी लाइफ के ऊपर उसकी कॉस्ट असरटेन करना, उसके कॉस्ट और रेवेन्यू को ट्रैक और एक्यूमुलेट करके उसका रिजल्ट बनाना। वी विल कंसिडर ऑल टाइप ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो भी उसका थ्रू आउट इट्स लाइफ हमने लिया है वो। इसमें हमारी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में तीन तरह की कॉस्ट हम लोग ऐड कर रहे हैं, प्री मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग। प्री मैन्युफैक्चरिंग के अंदर R&D की कॉस्ट, डिजाइन की कॉस्ट आप लोगों के लिए, एंड मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, और आप लोगों के लिए पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, आपके आफ्टर सेल सर्विसेज आ गई, मार्केटिंग आ गया, ये सारी चीजें। तो अब आपके पास अगर क्वेश्चन पूछे कि सेलिंग प्राइस बताओ, तो भैया सेलिंग प्राइस बताने का सिंपल सा उदाहरण है, लाइफ साइकिल कॉस्ट के अंदर पूरी जिंदगी में जितनी भी कॉस्ट लगी सारी जोड़ लो, उसमें जितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो वो जोड़ लो, तो आपके पास सेल्स आ जाएगी। सेल्स के अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स का डिवाइड लगा दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इस तरह से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मैंने एग्जांपल दिया था। ये चार फेज हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। पहले हम लोग नया मार्केट में एंटर करेंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, फिर रैपिडली ग्रो करेंगे, फिर ग्रो करेंगे लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे करेंगे, और फिर डिक्रीज होना चालू कर देंगे। फिर ये सारी चीजें पढ़ी थी, जिसका मैंने आपको ये कंपेरेटिव स्टेटमेंट टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों को शेयर कर रखा है। अभी तक नहीं लिया हो तो टेलीग्राम चैनल पर मेरे चैनल पर की फाइल फोल्डर में जाकर के आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहां पर क्वेश्चन का बताया था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लिए पूरी कॉस्ट को जोड़ लो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आ जाएगी, उसमें से आपका सेल्स में से लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। कुछ डिसीजंस हैं, तो डिसीजंस के अंदर मैंने इसको चार अलग अलग केसेस में बांटा था। सबसे पहला, जब कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों दे रखा हो तो आपको क्या करना है, कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों दे रखा है तो इसके लिए मैंने एक समरी बनाया था, वो समरी आप ध्यान रखिएगा। कहां बनाया था मैंने समरी, ये रहा समरी ऑफ ऑल फोर केसेस। पहला केस है कि कॉस्ट है, रेवेन्यू है, लेकिन हम लोगों के डिस्काउंटिंग रेट नहीं दे रखा, तो सिंपली क्या करेंगे, प्रॉफिट है तो सेलेक्ट कर लो, प्रॉफिट नहीं है तो रिजेक्ट कर दो। और अगर आपका एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो हम लोग चेक क्या करेंगे कि भैया सारे ऑप्शंस चेक करो, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है वो सेलेक्ट करो, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। ऐसा नहीं चार ऑप्शन थे चारों को चारों ही लॉस में है तो हम एक जो कम लॉस दे रहा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं। फिर केस नंबर टू, कॉस्ट भी है, रेवेन्यू भी है और डिस्काउंटिंग रेट भी है, तो ऐसे केस में हम लोग इसका अगर सिंगल केस है तो चेक कर लेंगे, NPV पॉजिटिव है एक्सेप्ट कर लो, लेकिन दो या दो से अधिक केस है तो अगेन हमारे पास जो हाईएस्ट EANPV रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे EANPV। और फिर आता है केस नंबर थ्री पर, जहां पर आपका अगर कॉस्ट दे रखी है, रेवेन्यू नहीं दे रखा, डिस्काउंट रेट भी नहीं दे रखी, तो सिंगल केस में तो हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास दो एक से ज्यादा केसेस हैं तो हम लोग उसके जो भी सबसे कम कॉस्ट है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और बाकी को रिजेक्ट। केस नंबर फोर, कॉस्ट दे रखा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग सिंगल केस है नॉट एप्लीकेबल, एक से ज्यादा हैं तो भैया सबके EAC निकाल लो, जो लोवेस्ट आएगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर हमने उसके ऊपर क्वेश्चन किया था। अब ये आपका लर्निंग पॉइंट, अगर आपका दो या दो से अधिक ऑप्शन आर हैविंग सेम लाइफ और सेम डिस्काउंटिंग रेट तो EANPV और EAC की जरूरत नहीं है,
आप लोग डायरेक्टली एनपीवी और डायरेक्टली कॉस्ट के ऊपर भी इवेल्युएशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों में एक ही चीज का डिवाइड लगाना है तो फिर क्या मतलब है डिवाइड कर लेने का। ठीक है, तो ये हमने किया, फिर हमने इसके क्वेश्चंस किए आपके, ये एक्सपेक्टेड एनपीवी वाला को एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी, सारी चीज वो है। फिर ये विजिटिंग चार्जेस के क्वेश्चन है, प्रॉफिट डिक्रीज हुए आपके, ये आपका ये नॉर्मल क्वेश्चन था, वही आपका दोनों सेम होगा तो क्या करना है। फिर आया हमारा वर्किंग नोट नंबर 4, ये आप लोगों ने आज ही क्वेश्चन किया था, हमने शायद लास्ट लेक्चर में किया था, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये वेरिएबल कॉस्ट का 90% दे रखा था, और उसमें से कह रखा था इस 90 में ही 4% सेलिंग प्राइस का आइटम इंक्लूड है, तो 4% सेलिंग प्राइस का 400 की सेलिंग प्राइस पे जोड़ा तो 16 रुपये, तो बाकी बचा 74, ये हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, इसके बेसिस पर हमने ये क्वेश्चन किया, नेट इफेक्ट इसका बता दिया, तो आपका जो भी डिटेल थी वो हमने कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में डिसीजन इसका आया, अगर एक ही फिक्स्ड एसेट है, एग्जिस्टिंग का कोई रोल नहीं है, तो भैया सिंपली आप ना हर एक साल का उसका रिप्लेसमेंट का ईएसी निकालो, और जो ईएसी सबसे कम हो उस टाइम पर जाकर के उसको रिप्लेस कर देना। फिर दूसरा केस आया आपका कि भैया नहीं भैया एग्जिस्टिंग भी है न्यू भी है, तो एग्जिस्टिंग भी है न्यू भी है, तो पहले एग्जिस्टिंग का एनपीवी निकाल लो और एग्जिस्टिंग का ईएसी निकाल लो, इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट निकाल लो। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं ओल्ड मशीन के बारे में, क्या करें, हर साल का ईएसी निकालो, लेकिन हर साल का ईएसी कैसे निकलेगा, आपको प्रॉफिट फॉरगॉन जो हमारा प्रेजेंट ईयर जीरो ईयर के अंदर जो वो दे रखा है ना स्क्रैप, उसको आपको एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेना है, तो वो हर केस में सेम अमाउंट रहेगा जो जीरो ईयर के अंदर साल्वेज है ना, मतलब कि आज अगर बेच देता तो उसकी जो साल्वेज है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी चारों ऑप्शन के लिए, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 सबके लिए। और फिर हम लोगों ने इसके लिए वो किया तो साल्वेज वैल्यू ले लिया, और फिर इसकी बेसिस पर हम लोगों ने इवेल्युएट किया, जब जाकर के जिस समय जाकर के आप लोगों के लिए ईएसी न्यू मशीन की कम हो जाए ईएसी ऑफ ओल्ड मशीन की तुलना में, तो आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। क्यों, ईएसी का कॉन्सेप्ट कहता क्या है, मैं आपको इसका एक चार्ट बना के बताता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा था 28,600 रुपये, आज से 28,600 ईएसी मतलब इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट, हर साल यही लगना है, तो आज अगर ये रिप्लेस कर दिया ना तो 28,600 ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और 5 एंड ऑनवर्ड्स, 5 एंड ऑनवर्ड्स से तो आपको हर जगह पर रिप्लेस करना ही करना था। ठीक है ना, ईयर 1 पे, ईयर 1 के बाद में रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, जो ईयर 1 का ईएसी आ रहा है ना वो तो यहां पे आएगा, बाकी 28,600 आएगा। अगर ईयर 2 के बाद में करेंगे ना तो ईयर 2 वाला ईएसी आएगा, ऐसा मत कर देना कि पहले तो ईयर वहां पे तो फर्स्ट ईयर है तो ईयर 1 वाला आ गया और सेकंड ईयर में ईयर 2 वाला आ गया, नहीं, दोनों ही साल में ईयर 2 आएगा, 28,600 यहां से चालू होगा। क्यों, क्योंकि 2 साल बाद तो रिप्लेस कर दिया ना, तो 2 साल बाद रिप्लेस कर दिया तो 2 साल बाद वाला चालू हो जाएगा। फिर ईयर 3 के अंदर यहां पर ईयर 3, यहां पे ईयर 3, यहां पे भी ईयर 3, ईयर 3 के बाद रिप्लेस करेंगे तो अब यहां से 28,600 चालू होगा। फिर ईयर 4 के बाद तो ईयर 4 में भी है, ये भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, ये 28,600 यहां से स्टार्ट होगा। अब मुझे बताओ, अगर यहां पे 28,600 है, ये ज्यादा है तो ज्यादा क्यों दूं, यहां पे भी दोनों केस में ये दोनों ज्यादा आ रहा है तो क्यों दूं, यहां पे भी ज्यादा आ रहा है तो क्यों दूं, यहां पे भी ज्यादा आ रहा है तो क्यों दूं, नहीं दूंगा, सिंपल है। तो ये कुल मिलाकर के ये कैलकुलेशन यहां पर रह रही है, इस तरह से पूरी गणना रहती है, इस तरह से पूरा कैलकुलेशन रहता है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे एंड दैट्स ऑल फ्रॉम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को लाइफ साइकिल कॉस्टिंग समझ में आया होगा। प्लीज आप सब लोगों से मैं फीडबैक एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बारे में फीडबैक जरूर देंगे, ना सिर्फ मुझे पर्सनली बल्कि हमारे सभी YouTube चैनल, आपके टेलीग्राम चैनल पर भी और हमारे WhatsApp ग्रुप पर भी, जहां पर आप लोग जुड़े हुए हैं WhatsApp ग्रुप पर, CMA फाइनल का जो एक्सक्लूसिव WhatsApp ग्रुप बना हुआ है उसमें। एंड वीडियो के एंड में एक बार वापस से बोलना चाहूंगा, क्या लंबी गहरी सांस छोड़ें और दिल से बोलें, कोस्टिंग आसान है। सो गाइज, कोस्टिंग आसान एंड दैट्स ऑल फ्रॉम लाइफ साइकिल कोस्टिंग। अब हम लोग कल से नेक्स्ट टॉपिक टारगेट कोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। टिल देन इन सभी के क्वेश्चंस, आपके पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन आपको रिवाइज कर लेने हैं। कोई भी दिक्कत आए मैं बैठा हूं, एनी टाइम आप लोग मुझे पिंग कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर विद लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। एंड यस,
फीडबैक देना मत भूलिएगा, कैसा लगा, आपके होने का एहसास दिलाते रहिएगा। आशुतोष लाडा वॉज विद यू, आशुतोष लाडा इज विद यू एंड आशुतोष लाडा विल ऑलवेज रिमेन विद यू। ओके गाइज, बाय बाय, टाडा टाडा।